हाय जुनैद और हाय एवरीवन, आप सबका वेलकम इस वेबिनार में। तो जुनैद, आप स्टार्ट करना चाह रहे जी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप अपना पहले हैं? राइट इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद मैं देता हूँ। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। जैसे कि पोस्टर में लिखा गया है, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ गुलबर्गा से। ये हमारा सेकेंड वेबिनार है और हम लोग बहुत ही पैशनेट है लोगों को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और ये वेबिनार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कैजुअल होने वाला है। तो इतना इंट्रोडक्शन देके मैं जुनैद को हैंड ओवर करना चाह रहा हूँ। थैंक यू आमिर। जैसे पोस्टर में मेंशन है, मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है और मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। एज अ डिजिटल मार्केटर जॉब करता हूँ स्टैंडर्ड टच कंपनी में, जो गुलबर्गा बेस्ड है। मेरी पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हुई है और एक पैराडाइज टूर्स बिजनेस ओन करता हूँ। वेबिनार बहुत कैजुअल होने वाला है एज डिसाइडेड, ठीक है। और देखा जाए तो और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि वेबिनार वर्ड वेब प्लस सेमिनार से आया। तो सेमिनार जनरली बहुत फॉर्मल रहते हैं, तो हम इवन तो ये वर्ड यूज कर रहे हैं फिर भी बहुत ज्यादा कैजुअल होने वाला है, बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है होपफुली। तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन में सेट करना चाह रहा था ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट बना रहे। तो जुनैद, आप क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करना चाह रहे पहले? जी हम लोगों ने फ्यू क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट किए हैं स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम से। तो वो क्वेश्चन एक एक करके लिस्ट करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। राइट। तो आमिर के पास जो क्वेश्चन है उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी हैव सेटिस्फेक्शन वाइल इन वर्क? तो मेरा आंसर ये है कि बिल्कुल हम सेटिस्फेक्शन पा सकते हैं अपने वर्क के जरिए। जैसे कि अब ये मेरा और जुनैद का ये वर्क कैंस है और हम लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, तो ये एक एग्जांपल है। और बहुत सारे लोग जॉब के जरिए से बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन पा रहे हैं, तो बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है। बस उस तक रीच होने के लिए कई स्टेप्स लगते हैं जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। हाउ डू आई चूज माई प्रोफेशन? वो स्टेप्स पूछ रहे कि कैसे चूज प्रोफेशन करना है प्रोफेशन, और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। सब लोग यहीं पे आके अटक जाते हैं कि चूज करना कैसे। मालूम है कि पैशन चूज करना, लेकिन पैशन कैसे चूज करना है? तो हाउ टू चूज अ प्रोफेशन, राइट? तो सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहिए कि प्रोफेशन क्या है। और उससे पहले मैं ये चीज बोलना चाह रहा था कि जो भी मेरे आंसर्स रहेंगे उसमें ज्यादातर एक साइकोलॉजी फील्ड का पर्सपेक्टिव आने वाला है, क्योंकि जिसमें मैं ट्रेंड हूँ, जिसमें मैं एजुकेटेड हूँ। दूसरे पर्सपेक्टिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा प्रिडोमिनेटली ये पर्सपेक्टिव रहेगा आंसर्स में मेरे। तो वह एस्टेब्लिश करना चाह रहा था मैं। तो सबसे पहले प्रोफेशन क्या है और या करियर क्या है उसको हम समझना चाहिए। ये बहुत ही इसका आंसर ऑब्वियस है, आप सब लोग जानते हैं, कुछ दूसरा मीनिंग नहीं है इसमें। बेसिकली ऐसे कुछ वर्क जो आप करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आइडियली, और जिससे आपको फाइनेंशियली इनकम हो, और एक लॉन्ग टर्म देखा जाए तो उसे सोसाइटी को कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। है आपका स्किल रहना, उसमें आपका इंटरेस्ट रहना, और सोसाइटी को कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होना मीनिंगफुली। तो ये प्रोफेशन है। तो इसको चूज करने के लिए कुछ बेसिक्स ये है कि आपको बचपन से अपना एप्टीट्यूड चलना है, किस चीज में आप अच्छे हैं, किस चीज में अच्छे नहीं है, और उसके बेसिस पे एक सर्टेन स्किल सेट या सर्टेन सर्टेन स्किल सेट के बेसिस पे आपको एक फील्ड चूज करना है, राइट? और अगर साइड पॉइंट्स में बोलना चाहूँ तो उसमें नेटवर्किंग आता है, जिसमें आपको बहुत सारे लोगों से मिलना है, जिसमें आपको पर्सनल ब्रांड बनना। तो उसके जरिए से आप पोटेंशियल एम्प्लॉयज या बिजनेस पार्टनर्स को ढूंढ सकते हैं, जिससे आपको एक ट्रस्ट फॉर दी रिलेशनशिप। जो आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? जी और एक सजेशन था जो भी व्यूवर्स है उनके लिए, आप कुछ ऐड करना है तो अपने से चैट पे ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ बीच में सजेशन देना है अपना या कुछ पूछना है तो उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्यू इस पे है, प्रोफेशन चूज करते हैं तो सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, जैसे स्किल सेट किस में है, डिमांड क्या है वो भी देखना जरूरी है, इनकम किस में ज़्यादा है, ये तीनों का बैलेंस होना चाहिए जितने भी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैशन का ही जाना है, लेकिन अगर डिमांड नहीं है तो फिर वो पैशन फॉलो करके फ़ायदा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि जिसमें सिर्फ पैसा है वही करते जा रहे, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो तीनों का बैलेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे हम लोग। जी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। व्हाट इफ आई चूज अ प्रोफेशन एंड नॉट सेटिस्फाइड विथ इट, शुड आई चेंज इट और इज चैलेंजिंग इन द बिगनिंग? हाउ डू आई नो इफ द चूजन करियर इज गुड फॉर मी? ओके, तो वो क्या आप पूछ रहे कि इसको मुझे सेम टुकड़ों में सेम बता सकते हैं क्वेश्चन को? हाँ सेम रिलेटेड पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें और वो पूछ रहे कि कैसे चूज करना है और वो ठीक है या नहीं कैसे मालूम पड़ेगा हमारे लिए।
ओके तो मैं इसका आंसर स्टार्ट कर देता हूँ पहले. तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर में मैंने बताया था कि कुछ फैक्टर्स है जो एक सक्सेसफुल करियर को लीड करते हैं, तो उसके एक एक फैक्टर को हम चेक करना है बेसिकली, जब उससे हम ओवरऑल देख सकते हैं कि हम कितना सेटिस्फाइड है. राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा इंटरेस्ट है या नहीं. तो एज ए ह्यूमन हम लोगों को बहुत ईजिली पता चल जाता है कि कोई चीज़ हम एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक इंटरनल चीज़ है. राइट तो मेरे लिए क्लियर है कि मैं कौन सी कोई चीज़ उसको एंजॉय करूँ या नहीं करूँ. सेकेंड फैक्टर उसमें हमारा स्किल है या नहीं, तो ये भी बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करें किसी चीज पे और आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उससे आपको पता चल जाता है स्किल है या नहीं. लेकिन जनरली एक पॉइंट जो नजरअंदाज कर देते हैं लोग, जिसको ओवरलुक कर देते हैं, वो ये है कि लॉन्ग टर्म में आप सोसाइटी को बेनिफिट दे पा रहे हैं या नहीं. क्या ऐसा कुछ आप वर्क कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा मैकेनिकल है, नॉट मैकेनिकल द फील्ड, लेकिन ऐसा कुछ मोनोटोनस वर्क कर रहे हैं कि जिससे सोसाइटी को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो आपका इम्पैक्ट देखना बहुत जरूरी है और अपने आप को क्वेश्चन करना. जी करेक्ट पॉइंट, ऐसा कोई जॉब कर रहे हैं जिसमें सिर्फ इनकम आ रही है लेकिन वैल्यू कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, वो भी गलत है. और जैसे था इफ द चोजन करियर इज गुड फॉर मी, वो कैसे पता लगे? तो मेरे को लग रहा है एक पॉइंट पे आने के बाद पता चल जाता है कि वो चीज हमारे लिए है या नहीं, उसके लिए उसको ट्राई करना बहुत जरूरी है. इसको मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था. जैसे रिसेंटली मैं और जुनैद डिस्कस कर रहे थे कुछ टाइम पहले, तो मेरे सडनली दिमाग में एक आइडिया ऐसा है कि अगर अगर फाइनेंशियली आप कितना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, कितना आप कमा सक रहे हो, वो एक ए है, और आप कितना खुश है या सेटिस्फाइड है वो बी है, तो टोटल हम इसको ए इंटू बी देखना चाहिए. अगर आपको बहुत मजा आ रहा है उसमें लेकिन आप फाइनेंशियली कुछ गेन नहीं कर पा रहे, तो ए जीरो है, जीरो इंटू बी जीरो है. या फिर आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, आप लाखों कमा रहे पर मंथ, लेकिन आपको मजा नहीं आ रहा उसमें, तो ए इंटू जीरो भी जीरो है. तो दोनों फैक्टर्स अगर बैलेंस में रहे तो अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हैं आप, मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट. करेक्ट. सिमिलर चीज और एक चीज याद आ रही है इसमें, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन इनकम 1 लाख पर मंथ एग्जांपल, ठीक है, तो अगर आप मंडे टू फ्राइडे तक जॉब कर रहे हैं जिसमें मजा नहीं आ रहा, तो आपकी लाइफ सिर्फ एक संडे की बच गई है. मतलब इसका ये मीनिंग हो गया कि आप मंडे टू सैटरडे जो कमा रहे हो उससे आप अपना संडे खरीद रहे, तो मीनिंगलेस लाइफ हो गई है अगर 7 days में सिर्फ 1 day से मिल रहा है और बाकी के 6 दिन आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं. तो ये वो संडे खरीदना हो गया है मंडे टू फ्राइडे सैटरडे अर्न करके वही पैसों से. राइट और इवन तो हम लोग पोस्टर में बोले थे कि अनस्क्रिप्टेड होने वाला है, लेकिन जुनैद ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी याद करके आ गए ये वाला डायलॉग मारने के लिए. सही है ना जुनैद? हाँ सही है, इसलिए लैपटॉप भी रखा हुआ है मेरे पास, अनस्क्रिप्टेड है लेकिन थोड़े पॉइंट्स जो याद स्क्रिप्ट ओपन है नोटपैड. हाँ जो मैं बोल रहा हूँ ना 1 लाख पर मंथ ऐसी से कमाओ जिसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, उससे बेटर ये है कि आप 40-50 thousand ऐसे चीज से कमाओ जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, एटलीस्ट आप वीक के 7 days तो जी पाएंगे. राइट तो इसका मीनिंग कुछ मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि अपने 6 days के टाइम को आप सेल करके उसके बदले में संडे पाने की बजाय आप हर दिन आप काम को एटलीस्ट एक डिसेंट लेवल पे एंजॉय कर पाते. अब जैसे कि मैं साइकोलॉजी फील्ड में हूँ, लोगों से डील करना या वेबिनार्स करना ट्रेनिंग करना इसमें बहुत मजा आता है जनरली. राइट तो और मैं समझती हूँ कि आपको भी डिजिटल मार्केटिंग में मजा आता होगा, तो एटलीस्ट ऐसा बेसिक हम एक सेटिस्फेक्शन गेन करना जरूरी है. राइट और एक पॉइंट था मेरा, अगर इसका ही वाइस वर्सा सेलेक्ट किए उसमें ऐसी कोई चीज है जिसमें बहुत मजा आ रहा है, पैशन है लेकिन इनकम ही नहीं है, 10,000 पर मंथ है या 5,000 है, उसका डिमांड नहीं है कुछ भी लेकिन मजा आ रहा है, लेकिन वो भी वर्थ नहीं होगा फिर, क्योंकि एक टाइम तक आके वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा अगर उससे कुछ अर्निंग भी नहीं हो पा रही, फिर वही हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया, दोनों का रहना बहुत जरूरी है. हाँ और कई ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं यूट्यूब पे जो बहुत अच्छे पॉइंट्स बताते हैं, और वो जो आप मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेंशन करे अभी उसको हम एक्सटेंड करके ए इनटू बी इनटू सी इनटू डी ऐसा भी और एक्सटेंड कर सकते, कई फैक्टर्स है तो वो सिर्फ ऐड और मल्टीप्लाई हो रहा. अगर आप एक छोटा काम करे उसमें मजा बहुत आ रहा तो उसका मजा ओवरऑल आउटपुट मल्टीप्लाई हो जाता है, सिर्फ ऐड नहीं होता, आपको 5 गुना मजा आता है उसमें. राइट करेक्ट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते. यहाँ पे ऑडियंस में से क्वेश्चन आया हुआ है उसको ले लेंगे हम लोग. क्वेश्चन था पटेल सलमान की तरफ से, प्लीज गाइड टू फ्रेश स्टूडेंट्स रिलेटेड टू करियर गाइडेंस. तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ब्रॉड क्वेश्चन भी है कि जो भी फ्रेश स्टूडेंट्स है, फ्रेश का मीनिंग मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि जो जस्ट पास आउट हुआ है और दूसरे मीनिंग में फ्रेश नहीं है. राइट ठीक है तो
तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि फ्रेश कम्युनिटी है जो रिसेंटली अपना कोर्स या डिग्री कंप्लीट करे, तो उनके लिए बहुत जरूरी है. पहली बात क्या, जब उनकी डिग्री चल रही है जब से ही उन लोग अपना प्लान करके रखना जरूरी है, नॉट एग्जैक्टली कि क्या करना है लेकिन अपने आप को डेवलप करना, एक डायरेक्शन में मूव होते रहना. तो लास्ट मोमेंट में डिसाइड करना वो तो सही बात नहीं है. ऐसा एक जस्ट कुछ फ्रेंड एक डिग्री में चले गए तो उनका देख के डिग्री में जाना तो ये तो अनफेयर हो जाएगा आपके अपने लिए. तो और अगर फिर भी अगर आप वो सिचुएशन में हैं तो अपना बेस्ट करिए, जितना आपके पास टाइम ले सके आप, कुछ वीक्स एटलीस्ट या कुछ मंथ्स हो सके तो उसमें लेके आप अपने आप को एनालाइज करना. कई ऐसे टेस्ट है जो आप ऑनलाइन ले सकते हैं या किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो अलग फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनसे मिल सकते हैं. अपना इंटरेस्ट देखना, फिर स्किल देखना, और किस वे में आप सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. बेसिकली ये तीन फैक्टर्स को बैलेंस करके आप चूज कर सकते हैं. और एक चीज, आज की 21st सेंचुरी के आज के जमाने में एक करियर में अटकना कोई की जरूरी नहीं है. आप आजकल थोड़ा बहुत ईजी हो गया कि करियर शिफ्ट करना, और बड़े कुछ ऐसे कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक और टेस्ला वगैरह जो बिना डिग्री के भी आपको लेने रेडी है, बस आपका स्किल सेट देख रहे हैं उनको. करेक्ट. आमिर के पॉइंट को ऐड करते हुए मैं भी बोलना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पे फ्रेश स्टूडेंट बता रहे हैं, फ्रेश स्टूडेंट का मतलब ऑलरेडी एक डिग्री कंप्लीट हुई हुई है उनकी, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि मेरे को ये डिग्री रिलेटेड ही काम करना है और लाइफ टाइम करना है. एक जब जो फ्रेश बंदा निकल रहा है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर कोई निकल रहा है, उसके दिमाग में ये रहता है कि मेरे को मैकेनिकल काम ही करना है लाइफ लॉन्ग. उनको ये नहीं लगता है कि सेकेंड ऑप्शन भी है. तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई फील्ड में एंटर हो रहे तो उसमें टेस्ट करो, एनालाइज करो और फिर डिसाइड करो कि कौन सा करना है. करियर स्विच करने का ऑप्शन हमेशा रहता है अगर इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो. राइट. तो जुनैद आप ये पॉइंट पे, क्योंकि सफिशिएंट ऑडियंस मेंबर जमा हुए, आप ये जो करियर शिफ्ट करें आप अपने एग्जांपल शेयर करना चाहते हैं? जी, मेरे भी जो स्टोरी है सेम रिलेटेड है. अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास हुआ था 2018 से, फिर उसके बाद मैंने मुंबई में जॉब किया, हैदराबाद में जॉब किया मैकेनिकल फील्ड में. उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते रियलाइज हुआ कि मैं ये जॉब को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा था. डिमांड भी वैसे भी कम हो गया था, डिमांड पहले बहुत ज्यादा था मैकेनिकल में, डिमांड भी कम होने लगा, इंटरेस्ट भी कम होने लगा. तो जो तरफ ये दोनों चीजें, इसमें से अगर कोई एक भी चीज रहती ना तो ऑप्शन रहता था सस्टेन करने का. अगर इनकम भी अच्छी रहती तो एक बार सोच सकते थे कि करना है या नहीं, या तो इंटरेस्ट होता कम इनकम होती तो भी चल जाता था. लेकिन ये फील्ड धीरे धीरे ऐसी होने लगी मेरे लिए जिसमें इंटरेस्ट भी कम होने गया और डिमांड भी कम होते गया. तो आहिस्ते आहिस्ते जब मैं दूसरे फील्ड एक्सप्लोर करने लगा तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट आ गया. अब करते 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 अब मैं पूरी तरीके से स्विच कर दिया. मेरे को मैकेनिकल का आइडिया नहीं है, मेरे को भी क्या था, और पढ़ाई भी ऐसी हुई थी जो 4 साल मेरे को कुछ आइडिया नहीं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता क्या है. मैं इंटर ये सोच के गया था कि उसमें कुछ कार्स होंगे और रोबोट्स, आयरन मैन टाइप कुछ होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं था. जी जी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी है जो मैकेनिक, खासकर मैकेनिकल और सिविल वाले, ऐसा स्पेसिफिकली नाम ले रहा हूँ मैं डिपार्टमेंट का, लेकिन ये दो फील्ड है जो आजकल डिमांड कम होते जा रहा है. इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और ये दो फील्ड वाले आईटी में बहुत ज्यादा स्विच हो रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है उसमें. और अभी मैं बोल सकता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में कर रहा हूँ, उसमें मेरा फुल इंटरेस्ट है और इनकम भी अच्छी है और उसका स्कोप और डिमांड बहुत ज्यादा है फ्यूचर में. मुदस्सिर मिर्जा का क्वेश्चन आया, माय क्वेश्चन इज व्हाई डू वी ड्रीम. ये थोड़ा साइकोलॉजी रिलेटेड है इसलिए मैं आपको हैंड ओवर करना चाह रहा हूँ. और एक कुछ भेजे थे वो चैट बॉक्स में, और एक उनका मैकेनिकल और सिविल का डिमांड इसलिए कम हुआ क्योंकि ये फील्ड में रेवोल्यूशन नहीं आ रहा. पहले बताओ आप मैकेनिकल से है क्या सिविल से है मुदस्सिर मिर्जा? राइट. तो उनका रिप्लाई का वेट करते हुए कंटिन्यू करेंगे. और इसके बारे में आप लोगों को लग रहा होगा मैं बार बार इधर क्यों देख रहा हूँ, मेरे लैपटॉप पे स्क्रीन है और मेरे मोबाइल पे कैमरा है, इसलिए ऐसा हो रहा है. हाँ, जिसमें स्क्रिप्ट रखी गई है, इवन तो अनस्क्रिप्टेड बोला गया कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है. राइट, वेरी गुड. तो बाय द वे इसमें किसी का मजाक नहीं था, बस हम जानना चाह रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग आईटी में शिफ्ट हो रहे हैं आजकल, तो जानना जरूरी था. तो जुनैद, इस पर आप कमेंट करना चाह रहे हैं? जी, आईटी में शिफ्ट हो रहे ना, तो आईटी वाले भी थोड़ा इनसिक्योर फील करेंगे कि सब इधर ही क्यों आ रहे हैं, ये भी एक ऑप्शन है. तो आप वो क्वेश्चन का आंसर कंटिन्यू कर सकते हैं. माय क्वेश्चन इज व्हाई डू वी ड्रीम. Why do we dream? ये तो unscripted है पक्का, क्योंकि मुदस्सिर मिर्जा scripted नहीं है.
लेकिन ये अभी एग्जिस्टिंग टॉपिक से उतना रिलेवेंट नहीं है ना, ड्रीम्स वगैरह का, आपको क्या ख्याल है? जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उनका ही क्वेश्चन है, राइट वो सब टॉपिक पकड़ेंगे। मैकेनिकल सिविल का उनका स्टेटमेंट सजेशन है, मैकेनिकल और सिविल का डिमांड इसलिए कम हुआ है क्योंकि इस फील्ड में रेवोल्यूशन नहीं आ रहा है, रेवोल्यूशन। तो मैं इसके बारे में ये बोलना चाह रहा था, मैं वो फील्ड से तो नहीं हूँ उस पे करने के बारे में, तो हो भी सकता क्योंकि आप उससे रिलेटेड फील्ड से आप बोल रहे हो, तो हो सकता, बस फिलहाल उसके बारे में मेरे कुछ और पॉइंट्स नहीं है। नहीं, सही बोल रहे हो, रेवोल्यूशन नहीं आ रहा है वो फील्ड में, अच्छा, वो राइट, फील्ड धीरे धीरे कम होते जा रही है और इनफ इंजीनियर्स और मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स हो गए, जितना डिमांड नहीं है, और मैक्सिमम उसमें उनको अपने इंटरेस्ट का आइडिया नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। और जिन्हें मैं आपसे एक सडन एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, आपको क्यों लगता है ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे सोसाइटी क्या प्रेशर राज मारे, है, क्या राज है इसके सोसाइटी पीछे? प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर नंबर वन रीजन। इसमें और डिटेल में बोल सकते हैं आप, कैसे टाइप का प्रेशर, क्या कुछ डर है इसके पीछे? हाँ, सोसाइटी में हर फैमिली में एक ऐसा रिलेटिव या ऐसे कोई होते हैं वो फेल किए हुए होते हैं 4-5 साल पहले और उसमें एक्सपर्ट बन गए होते हैं, तो उनका एग्जाम्पल लेके कंटिन्यू चलते रहते पूरे रिलेटिव्स, ठीक है, उनका एग्जाम्पल देते और ये सोचते कि वो फील्ड अभी भी चल रही होगी, उसमें आके ले लेते हैं, और लोग अक्सर फॉलो करते हैं एक दूसरे को, ट्रेंड्स को भी, तो वो फॉलो करते करते बहुत लेट रियलाइज होता है कि 4 साल है, 4 साल लगते हैं, जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं जब उसका ट्रेंड चलते रहता है, लेकिन वो लोग 4 साल दूर तक नहीं सोच पाते, और जब 4 साल कंप्लीट कर देते ये उसका ट्रेंड ऑफ हो जाता है, ये एक रीजन है। बहुत आप जबरदस्त पॉइंट बोले हैं, क्योंकि हमको पढ़ाई वो नहीं करना है जो अभी वैल्यू में है, वो करना है जो 4 या 5 या 10 साल बाद वैल्यू होने वाला है, क्योंकि और वैल्यू रहेगा चार तो यही साल बहुत बड़ा फैक्टर, राइट? जी, मैं बोल रहा था 4 साल ज्यादा हो गया, अभी दुनिया इतनी फास्ट चेंज हो रही कि नेक्स्ट 1 साल में क्या होने वाला है वो भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो जो राइट राइट कॉन्स्टेंटली चेंज होते जा रहा है एजुकेशन सिस्टम के साथ, वही सक्सेसफुल है। राइट तो इसमें मैं और एक चीज बोलना चाह रहा था, एक साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। इमेजिन आप एक हॉस्पिटल को गए और वहां पे आपको रिसीट निकालना है ओपीडी की, तो वहां पे दो काउंटर्स है, दोनों पे भी एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, एक में लाइन नहीं है बिल्कुल भी, एक में पूरी लाइन भरी हुई है, एक में 15 लोग है, एक में 0 लोग है, तो आप कौन सी लाइन में जाते हैं चीटी निकालने के लिए? जिसमें लाइन नहीं, 0 लाइन। जिसमें लाइन नहीं है, ओके, इसका मतलब आप स्मार्ट है, लेकिन यहाँ पे जनरल लोग क्या होता है, इवन तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि आपको डायरेक्टली आपको काम हो जाता, लेकिन ह्यूमन माइंड क्या करता, ऐसे बोलता है कि अरे वहां पे कोई भी नेट ठहरा हुआ है तो कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा या काउंटर बंद होगा, दिमाग में लगता है इवन तो सामने काउंटर खुला है, तो वहां जाके रिस्क लेके टाइम वेस्ट करने से अच्छा यहाँ पे 15 लोगों के पीछे ठहर जाओ, अगर टाइम वेस्ट हुआ तो सबका 15 का वेस्ट होता, राइट? तो एक ग्रुप में करेक्ट एक करेक्ट सिक्योर फील करते लोग, अरे खराब हुआ तो करेक्ट सबका एक साथ खराब होता, एक सेफ्टी फील करते, राइट? और एक चीज मुझे करेक्ट से क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि इंजीनियरिंग और मेडिकल बहुत बहुत अच्छे फील्ड्स है जो कि सोसाइटी को बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, फील्ड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस चीज में हर कोई वही करना, जैसे कि मसाला डोसा एक बहुत बहुत टेस्टी चीज है लेकिन हर कोई नहीं खाना चाहिए, अगर हार्ट पेशेंट बार बार खा रहा है उसका हेल्थ के लिए सही नहीं है ना, तो चीजें बहुत अच्छी है लेकिन आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो देखना है, और हर कोई सेम चीज भी तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि सोसाइटी जी, में अलग और अलग जिसको चीजों की पसंद नहीं, रिक्वायरमेंट रहती है। जिसको मसाला डोसा पसंद नहीं है उसको बोला जा रहा है कि आप मसाला डोसा खाओ, इससे हेल्थ सही हो जाती। हाँ राइट, तो आपकी हेल्थ के लिए क्या चाहिए वैसा खाना खाना, आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, तो वैसे ही आपकी जिंदगी में क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से आपको करियर चूज करना है। जी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर अ करियर व्हाट आर प्रायोरिटीज, इट इज पैशन, मनी और जॉब सिक्योरिटी, ये 5th क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन आए स्टेटस के थ्रू, और भी आए थे, हम लोगों ने फिल्टर करके टॉप 10 लिए, तो ये 5th क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे। ठीक है, 5th क्वेश्चन ये है कि अभी जैसा बताया आपने कि 3 चीजें है, पैशन, मनी, जॉब सिक्योरिटी, तो ये तीनों में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, कम किसकी है, वो पूछ रहे, क्या क्या था आप रिपीट कर सकते, पैशन? पैशन, मनी, जॉब सिक्योरिटी। मनी और जॉब सिक्योरिटी थोड़ा इंटर रिलेटेड है, तो मतलब पैशन और ऑलमोस्ट मनी सिमिलर है, कंसिडर। राइट? इसमें मैं और एक फैक्टर ऐड करना चाहूँ कि सेटिस्फेक्शन, तो अगर मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन पूछ रहे हैं आप, तो मैं सेटिस्फेक्शन को नंबर 1 बोलता हूँ,
क्योंकि अगर अगर सर्वाइवल की बात करें कि आपको पैसा होना ही है सर्वाइव करना, और आपको बैकग्राउंड अगर बहुत आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो मनी वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता, लेकिन आप कुछ ना कुछ करके आप रास्ते निकाल सकते हैं। इसलिए मैं लॉन्ग टर्म में आपको बोलता हूँ कि सेटिस्फैक्शन को नंबर वन प्रायोरिटी देना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, लॉन्ग टर्म में मतलब पैशन फॉलो करना चाहिए तो सेटिस्फाई रह पाएंगे, और राइट शॉर्ट और उसको टर्म स्मार्टली फॉलो करना चाहिए। जी, ऐसा पैशन रहना जिससे सोसाइटी को सर्व भी होना, जिससे पैसा भी मिलना। मतलब पैशन अपने आप में एक चीज हो सकती है, लेकिन उसको करियर में कन्वर्ट करने की कुछ बारीकियां हैं जिसमें ये सब फैक्टर्स आपको कंसिडर करना पड़ता लेकिन एक जगह थोड़ा प्रॉब्लम हो है। जाता है, जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड, किसी किसी का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहता है कि बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं पैसे के लिए, तो उनके लिए अगर इनिशियल स्टार्ट लेना है तो उनके लिए पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैशन से, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम उस चीज तो को वो डाउन प्ले कैसे नहीं लॉन्ग कर टर्म को टैकल सकते। करें? तो हम अगर किसी को बहुत ज्यादा अगर परेशानी चल रही तो हम उस चीज को तो बिल्कुल डाउन प्ले नहीं कर सकते, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में पैसों के पीछे जाके अपने सिचुएशन को स्टेबलाइज करना अर्जेंट हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर बैक ऑन ट्रैक आना जरूरी है कि एक्चुअल सेटिस्फेक्शन किस काम में मिल रहा हो। करेक्ट, ठीक है, क्लियर। और लाइफ से कोई क्वेश्चन है वो ले लेंगे, उसके बाद सिक्स क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। फिर मुदस्सिर मिर्ज़ा का और एक है, पीपल विल अट्रैक्ट टू शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स रादर देन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट फील्ड, बहुत अच्छा करेक्ट। स्टेटमेंट है। और थैंक यू मुदस्सिर इतने अच्छे पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करने के लिए, और मैं इनकरेज करना चाह रहा हूँ कि दूसरे मेंबर्स को भी आपकी पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करिए, और अगर आप कॉन्फिडेंशियल या ऐसा कोई सीक्रेट वर्ड मेंशन कर दिए तो आपका नाम भी हम वीडियो में मेंशन नहीं करते। अगर जनरल कमेंट है तो आपका नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसको बाद में भी हम सेंसर कर सकते हैं प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। तो स्टार लगा मैं दो आपको अगर इनकरेज किसी को, करना, हाँ आप स्टार लिख दो अगर आपको नाम मेंशन नहीं करना है, और मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप चैट में भी उसमें इन्वॉल्व होइए, और इवन वॉइस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट, करेक्ट करेक्ट, वॉइस में भी वॉइस के इन्वॉल्व हो थ्रू सकते हैं, भी, माइक ओपन करके भी बता सकते हैं, कुछ पूछ सकते राइट। हैं। हाँ, तो उन्होंने बताया था नेक्स्ट पीपल विल क्वेश्चन। अट्रैक्ट टू शाइनिंग ऑब्जेक्ट रादर देन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट फील्ड्स, तो यही था कि दूर से बहुत हायर फील्ड अच्छी दिखती है, आईटी भी दूर से अच्छा दिखता है, जब उसमें एंटर होंगे तो ऐसा नहीं कि, अगर फुल पैशन है फिर भी एंटर हुए तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, उसमें डिफिकल्टीज आएगी, लेकिन कैसे टैकल करना है, इंटरेस्ट आ जाता है तो टैकल हो जाता है। जैसे अब डेटा साइंस बहुत ज़्यादा हाइप पे है और अभी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, उसमें हाई पेइंग सैलरी भी है, लेकिन इतने सडनली इतने डेटा साइंटिस्ट आ गए अभी जिन्होंने कंप्लीट किए कोर्स, के लिंक्डइन का एक पोस्ट आ जाता है कि डेटा साइंटिस्ट रिक्वायर्ड, तो उसमें एक एक मिनट में 50-50 इंटरेस्टेड लोग आ जाते हैं अचानक क्योंकि कोई भी फील्ड जब स्टार्ट होती है तो बहुत ज्यादा हाइप हो जाती है, और फिर एक साथ सब लोग कर लेते हैं, फिर वो उसके रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, जैसे कि सप्लाई मार्केट क्रिएट हो जाता है, डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाता है। हाँ, और क्योंकि और मैं यही लोग इसमें, सिर्फ ट्रेंड फॉलो करके कर देते हैं। जी जी बोलिए। राइट, हाँ मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था, ये बबल फॉर्म जो होता उसमें रिएक्शन टाइम, जस्ट मैं अभी थ्योरी मेरे दिमाग में आया कि उसमें रिएक्शन टाइम कुछ सालों का रहता। जैसे कि अगर अब हम लोग सुनने लगे अरे डेटा साइंस नई फील्ड है, डेटा साइंस नई फील्ड है, तो सब लोग सुन लेते हैं और सब लोग उसमें जाने लगते हैं, लेकिन उन लोग पढ़ के निकले तक 4 साल अगर इंजीनियरिंग कर लिए या कुछ साल का या कुछ महीने का कोर्स कर लिए, सब लोग एक साथ जाते जब तक बबल बर्स्ट हो चुका रहता, फिर सब लोग उसे निकलने भी कुछ साल लग जाते हैं, तो सोसाइटी करेक्ट का एज ए ग्रोथ रिएक्शन टाइम कुछ सालों का रहता, राइट। करेक्ट, जैसे वो फील्ड हाइप होती है बहुत सारे लोग कोर्स कर लेते हैं, जमा हो जाते हैं, अगर 500 की रिक्वायरमेंट है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है रिक्वायरमेंट, लेकिन सब उसमें एंटर होकर उसको 1000 कर देते हैं, उसमें ऐसे भी लोग एंटर हो जाते हैं जिसको कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता है, बस ट्रेंड देख के फॉलो कर रहे होते हैं, और उसका सप्लाई बहुत बढ़ा देते हैं जिससे उसका डिमांड फिर कम हो जाता है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर एग्जाम्पल लिए तो इसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पीछे एक टैगलाइन थी कि एवरग्रीन फील्ड बोलते थे इसको, कभी खत्म नहीं होने वाली, तो 2-3 साल के बाद वो बहुत कम हो गई क्योंकि इतने एवरग्रीन के होप में आ गए थे मैकेनिकल इंजीनियर्स के, वो भी क्रॉस कर दिए डिमांड को। और जुनैद मैम से और एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्रिप्टो में भी और ट्रेडिंग वगैरह में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आपको, ये जो मैं बबल की बात करा और रिएक्शन टाइप की बात करा, बाय एनी चांस आप इसको क्रिप्टो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसा एक एक ग्रुप मेंटेलिटी है लोगों की, जस्ट मैं डायनामिक्स की बात कर रहा हूँ, नहीं कुछ क्लिक हो रहा है आपको इसमें एक्सप्लेन करने के लिए? मेरे को एलॉन मस्क क्लिक हो रहा है, जैसे आप बबल की बात करते हो, क्रिप्टो भी
इंटरलिंक कर देते हैं। हाँ वो करते ही हुए थे कि कुछ ट्वीट कर देते थे और सब लोग फॉलो करने बाय करना शुरू कर देते थे। तो वो कॉइन यहाँ पे शोएब है मेरे फ्रेंड, उनको भी मालूम होगा, उन्होंने भी देखे है सब चीजें, और इनफैक्ट आप भी देखे है मेरे ख्याल से। हाँ राइट। इलॉन मस्क ट्वीट कर देते थे सीधा और लोग वो कॉइन बाय करना शुरू रहते थे, तो बबल बनते जाता था। एक मोमेंट पे आके इतना बड़ा बबल रहता था, बस्ट रहता था, और सब जो टॉप पे बाय किए हुए रहते थे एक दूसरे को फॉलो कर करके बस्ट हो जाता था एक ही बार। भाई एनी चांस जो ना ये वीडियो ट्विटर पे पब्लिश करने वाले हैं क्या हम लोग? नहीं, शायद परमिशन नहीं मिलेंगी पब्लिश करने के लिए वहां पे, तो फिलहाल यूट्यूब पे डाल देंगे। मिलेगी। ओके ठीक नेक्स्ट में होंगे हम लोग। और एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे है शोएब फारूकी नेक्स्ट। का। हाँ आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आई हैव ग्रेट एम्बिशन टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस बट आई एम कंफ्यूज्ड व्हिच स्ट्रीम इज गुड टू स्टार्ट द बिजनेस काइंडली सजेस्ट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन भी है ये क्वेश्चन। अगर मैं फिर से खाने का एग्जांपल दूं तो कुछ ऐसा होता कि आप मेरे को पूछ रहे कि मेरे को भूख लगी मैं कौन सा खाना खाऊं। ठीक है, तो करेक्ट। एक हद तक वैलिड है ये क्वेश्चन अगर अज्यूमिंग कि मैं खाने का एक्सपर्ट हूँ इस केस में हाइपोथेटिकली। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि यार ये खाने टेस्टी है और ये खाने ये न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स है बेसिकली, लेकिन बिना आपके बॉडी के बारे में जाने या बिना आपके टेस्ट के बारे में जाने मैं रिकमेंड करना गलत हो सकता हूँ। एग्जाम्पल कुछ ऐसी होता है इसमें पीनट्स है लेकिन आपको पीनट एलर्जी है तो उससे आपकी जान जा सकती है। इवन तो पीनट अच्छी चीज है, एक अच्छी करेक्ट। चीज से भी आपको नुकसान हो सकता है। या अगर मिल्क प्रोडक्ट है अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। करेक्ट। तो क्वेश्चन तो फर्स्ट एक हद तक क्वेश्चन वैलिड है बोलिए। लेकिन मैं आपके और आपके बारे में और जानना पड़ेगा कि आपका क्या स्किल सेट है और क्या आपके पास कैपिटल कितना है और कौन सी सिटी में वर्क कर रहे हैं, उसके बेसिस पे एक इन्फॉर्म डिसीजन करा जा सकता है। वैसे आमिर करियर काउंसलिंग करते हैं, आमिर अपना नंबर लास्ट में ड्रॉप कर देना, शोएब फारूकी को जरूरत पड़ सकती ये स्क्रिप्टेड सजेशन नहीं देने था के बाय लिए। द वे। बीच में प्रमोशन भी ऐड करना पड़ता है। एंड में भी हाँ प्रमोट करेंगे। ठीक है श्योर, ठीक हम लोग एंड में पोस्ट कर देते राइट। मैं जब तक है। वेबसाइट और पोस्ट कर लूंगी ना तो आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नहीं, मेरे को फर्स्ट आंसर क्या क्लिक हो रहा है शोएब के क्वेश्चन से कि आई हैव एम्बिशन टू स्टार्ट माय बिजनेस बट कंफ्यूजन विच स्ट्रीम इज गुड। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड है। सबसे पहले जैसे आमिर भाई ने बताया कि स्किल डिपेंड है, जो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज और स्किल है, प्लस आपके पास बैकअप मनी कितना है, उसका फैक्टर भी बहुत ज्यादा है। तो वो बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं आप प्रोडक्ट बेस करना है या इवन सर्विस बेस आपके पास करना है, कितना क्योंकि सर्विस बैकअप बेस मनी है? रिवील नहीं कर सकते तो वो हिसाब अच्छा, से कोई बात आपको नहीं। डिफाइन करना है कि सर्विस फील्ड में करना है या प्रोडक्ट फील्ड में करना है, क्योंकि प्रोडक्ट फील्ड में करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है वो भी कंसिडर करना है, उसमें आप किस में एक्सपर्ट है वो भी कंसिडर करना है, सर्विस बिजनेस करना है बोल रहे। ठीक है आप जुनेद आप इसको सेम सेम थोड़ा से या एलेबोरेट कर फिर सकते दूसरे के लिए कि सर्विस और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए दूसरे लोगों के लिए। हाँ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस मतलब ऐसे बिजनेस जिसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो, कि हम खरीद रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट को और उसको बेच रहे, तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। सर्विस मतलब एज अ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटर एज अ सर्विस सेल कर सकता हूँ। इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लगता है, सिर्फ स्किल्स लगती है। जैसे पैराडाइज टूर्स है, ये भी सर्विस बेस्ड है, इसमें ऐसा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, सिर्फ बस एक्सपर्टीज होनी चाहिए और स्किल्स होनी चाहिए। इसमें स्किल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। प्रोडक्ट बेस्ड है, उसमें स्किल्स की वैल्यू भी है लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है। तो इसको डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए और एक वेबिनार लग जाएगी कि बिजनेस या बिजनेस डिफाइन कैसे करना है। ठीक है अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं, शोएब से ओके पर्सनली बात कर लेंगे। एंड थैंक यू शेयर फॉर दिस गुड क्वेश्चन। ठीक है यूनियन मैं आपको एक ये सेकंड पूछना रुका, चाह मैं रहा हूँ आपको ऑडियंस की एक तरफ से, ये वेबिनार का नाम हाउ नॉट टू चूज ए करियर क्यों है? हाँ ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हाउ हम नॉट टू शुरू में बिल्ड ए बोलने वाले करियर। थे। थैंक यू आपने याद दिला दी। फिर से स्क्रिप्टेड। स्क्रिप्टेड है तो ये वेबिनार का नाम है हाउ नॉट टू बिल्ड अ करियर इंस्टेड ऑफ हाउ टू बिल्ड अ करियर। तो ये रखने का ये रीजन ये था कि हम लोग खुद अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हाउ टू बिल्ड अ करियर,
इसलिए जब हम खुद एक्सप्लोर नहीं कर पाए तो हम सजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ने बहुत सी वैसे देखे कि क्या अवॉइड करना चाहिए, तो इसलिए क्या क्या अवॉइड करना है वो डायरेक्शन हम बता सकते हैं इंस्टेंट के क्या करना चाहिए, क्योंकि हम खुद अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत चीजें। राइट, तो इसमें मैं कुछ ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि जस्ट मेरे और जूनियर के करियर के बारे में कुछ पॉइंट्स ऐड कर रहे हो ताकि वो टॉपिक रिलेवेंट हो जाए आप लोगों के लिए और आप लोग उससे रिलेट कर सके। बेसिकली जैसे जूनियर बोला तो उसी में ऐड करे तो मैं हाउ टू बिल्ड अ करियर, करियर कैसे बनाना है, ये सब चीज़ों के बारे में एक हद तक हम लोगों को हम लोग नॉलेज भी है और हम लोग आजकल क्योंकि इंटरनेट के जमाने में जी रहे हैं हम सुनते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे ऐसे टिप्स आते रहते हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है, लेकिन कुछ कॉमन ट्रैप्स है जिससे हम बचना बहुत जरूरी है और कुछ फेमस एक कोट भी है जिसमें हम ये सुनते कि पहले क्या नहीं करना वो चीज़ बहुत क्लियर है कि ये चीज़ों को हटा दिया तो जब आपको बचे सो ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्या नहीं करना है वही क्लियर नहीं है तो फिर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इतने ज्यादा रहते हैं कि आप ओवरवेलम हो जाते हैं। तो क्या नहीं करना है अगर मेरे हिसाब से मैं बताया तो क्राउड को फॉलो नहीं करना है कि अगर हर कोई एक डायरेक्शन में चले जा रहे हैं आप भी उसी डायरेक्शन में चले गए तो बेसिकली मार्केट सैचुरेट हो जाता है एक हद के बाद, तो वो एक आपको चैलेंज आता है। और किसी का सुन के अगर आप कर ले रहे हैं उनके टैलेंट के हिसाब से आप फॉलो कर रहे हो तो आपका टैलेंट उसमें नहीं भी हो सकता, या हो सकता है आप दूसरे फील्ड में आप वर्ल्ड के टॉप पे जा सकते हैं लेकिन आप किसी और का फॉलो कर जा रहे हैं और उसमें रह जा रहे हैं आप। तो ऐसे कुछ कॉमन ट्रैप्स है जिसको अवॉइड करना है। मेरे को एक ट्रैप याद आ रहा है, ऐसे लोगों का सजेशन लेना जो वो फील्ड से है भी नहीं, क्योंकि इंडिया में अक्सर ऐसा होता है, जनरली बता रहा हूँ, कि आप किसी को भी सजेशन दे के पूछो करियर रहे या कुछ रहे तो उनको ना बोलना बहुत गलत लगता है, मना नहीं कर पाते वो लोग, तो कुछ ना कुछ बोल देते। जैसे कि आप एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग के एडवाइस लेने कोई सिविल इंजीनियर के पास जाओ, वो आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं मालूम है, और स्पेशली अगर हमसे बड़े हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि मना करना है इनको, तो कुछ कुछ ना कुछ बोल देते, तो वो कुछ बोल देते वो हम सीरियस लेके कर देते उसके बाद, तो वहां से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो एक ट्रैप हो जाते हैं। मैं बोल रहा था कि एडवाइस अगर लेना है तो ऐसे लोगों से लो कि वो कहीं ना कहीं फील्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, वरना कुछ और सजेशन आ जाएगा और हम उसको फॉलो करने लग जाएंगे तो एक ट्रैप में बाद लेट रियलाइज हो जाएगा कि ये नहीं फॉलो करना था, वो कहीं से रिलेटेड भी नहीं तो उन्होंने बस ऐसे एडवाइस दे दी और हम फॉलो कर लिए। और ऐसा भी नहीं है कि सामने वाले का इंटेंशन गलत हो, अच्छे इंटेंशन के वो बुरा एडवाइस दे सकते हैं क्योंकि वो चाहते कि वो टेलीविजन का कुछ ना कुछ बोलने पे जेनरिक एडवाइस लेकिन वो बुरा भी कुछ तो लेके जाना जी। ठीक है, नेक्स्ट वो जो स्टेटस वाले क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, उसमें एक हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट, अगेन सेम चीज, अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना है तो कोई एक स्ट्रॉन्ग स्किल बेस बनाना बहुत जरूरी है, अगर बैकअप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है या अर्निंग है तो आप एक स्किल का ऑप्शन है, अगर ऐसी स्किल अगर जनरेट कर ली आप जिसका बहुत ज्यादा डिमांड है और आप ऐसा कर रहे कि उसमें एक्सपर्ट बन गए तो आप एज अ फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हो और वो सर्विस को सेल भी कर सकते हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए अर्न करना। राइट, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि नो इन्वेस्टमेंट नाम की चीज नहीं है, मतलब बिना कुछ इन्वेस्टमेंट के बिजनेस बनाना, अब इन्वेस्टमेंट को ब्रॉडली बहुत कॉमन क्वेश्चन है और से लेके एटलीस्ट 10th पीयूसी या डिग्री तक पढ़ लिया है ये आपका अराउंड 15-18 साल का ये इन्वेस्टमेंट हो गया, तो बिना इन्वेस्टमेंट के जीरो में कुछ भी नहीं होता, या तो आपका टाइम या एफर्ट या थोड़ा बहुत मनी लगेगा, या मिनिमम मनी में आप करना चाहते हो या तो सर्विस बेस्ड बिजनेस देख सकते हैं या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं आप या किसी और का कैपिटल लेके कर सकते हैं, जैसे आपका कोई पार्टनर है वो अगर पैसे डालना चाह रहा है और आप अपना एनर्जी डालना चाह रहे हैं तो दोनों का इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन आपकी तरफ से मनी के इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आप वैसे चाह रहे हैं। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड एक्सेलेंट पर्सन फॉर बिजनेस, एक ऑप्शन ये कैसे है बिना अटेंड करने लोग मिल जाते हैं। करेक्ट करेक्ट, मेरा भी थोड़ा सिमिलर था जो बोलने वाला था। नंबर वन प्रायोरिटी मेरे हिसाब से अगर टीम बनाना है या एम्प्लॉय रखना है या पार्टनर रखना है तो नेटवर्किंग, दूसरा मेरे को कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दिखता, जितना नेटवर्किंग करेंगे सेम फील्ड लोगों के साथ अपने आप टीम बनते जाएगी और टीम सामने से अट्रैक्ट होगी, आपको जाके पूछने की जरूरत नहीं। राइट,
इसमें कॉन्सेप्ट आता है पर्सनल ब्रांडिंग का। जैसे हम लोग कंपनीज अपने ब्रांडिंग करते हैं कि फेसबुक कंपनी का एड्स आ सकती है, गूगल के एड्स या कुछ लोकल बिजनेस के एड्स आप देखते हो, वो अपना ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, अपना नाम बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन इंसान की भी ब्रांडिंग रहती है, इसको पर्सनल ब्रांडिंग बोलते हैं। जैसा हो सकता है जुनैद एक ब्रांड हो डिजिटल मार्केटिंग में, मोहम्मद आमिर एक ब्रांड हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ मैं, ताकि लोग आपको जानते कि ये फील्ड में ये बंदा अच्छा है। तो पर्सनल ब्रांड भी बनाना जरूरी है, क्योंकि उससे आप पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल पार्टनर्स या पोटेंशियल एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप किसी गैदरिंग में गए, किसी नेटवर्किंग इवेंट में गए, वहाँ पे लोगों से आप जब मिलते, लोगों को मालूम पड़ता है कि आप कौन है, तो उससे आपके फ्यूचर पार्टनर्स को आप ढूंढ सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स को। करेक्ट, सेम चीज बिजनेस में भी और जॉब में भी। अगर जॉब चाहिए, आपका नेटवर्क कुछ स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं से आपको जॉब मिल जाएगी। एक स्टेटमेंट में किसी ने बोला था कि आप बताओ कि मार्केटिंग कैसे करे, बिजनेस कैसे ग्रो करे। तो एक स्टेटमेंट में कोई था, वो उन्होंने क्या आंसर किया थी कि शेक मोर हैंड्स, बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। तो ये एक फर्स्ट टूल है। मैं जो भी पूछता ना, जो भी आके बोलते ना बिजनेस में कि इसकी मार्केटिंग कैसे करना है, ये कैसे करना है, उनका प्रोडक्ट या सर्विस होता है, तो फर्स्ट में ऑप्शन ये देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग, सेकेंडरी फर्स्ट शेक मोर हैंड्स, अब जाके नेटवर्किंग पे ध्यान दो। और जैसा पर्सनल ब्रांड की बात निकली है, आमिर और मैं इसमें बहुत इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। MDAmir.in नाम की वेबसाइट है उनकी पर्सनल ब्रांड की, प्लस अभी रिसेंटली मैंने JunaidKhardi.com बाय किया, तो इस पर बहुत ध्यान दे रहे हम लोग। प्लस हम लोग ऐसे ही अगर संडे फ्री है तो हम दोनों साथ में मिलते हैं, और कोई भी अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है गुलबर्गा की, डायरेक्ट हम लोग चले जाते हैं मिलने की। हम भी सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, बस ऐसे नेटवर्क के थ्रू, बिना कोई रिटर्न एक्सपेक्ट किए उनसे, बस ऐसे ही मिलते हैं। आमिर अपने फील्ड से रिलेटेड, हम लोग आमिर वो लेजेंड लिस्ट का बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं और जुनैद हम लोग ऐसा एक लिस्ट मेंटेन करते हैं, जिसको हम लेजेंड्स ऑफ गुलबर्गा बोलते हैं। तो गुलबर्गा जो हमारा सिटी है, तो हम लोग ऐसा आइडेंटिफाई करें जिसमें कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत नॉलेजेबल या एक्सपीरियंस्ड है। तो हम जाके उनसे मिलते हैं और हमारे क्वेश्चन पूछते हैं, और उनसे जो भी नॉलेज हम सीख सकते हैं वो सीख लेते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा मेरे को ये। तो आप भी ऐसा अपनी लेजेंड्स की लिस्ट बना सकते हो जो लोकली एक्सेसिबल है आपको, और उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं आप। और वो सेम फील्ड के होना जरूरी है। जरूरी है बोल रहा। हाँ जरूरी है मेरे हिसाब से। अच्छा वैसे दूसरे भी नेटवर्क्स बना सकते हैं, लेकिन जितना अपनी फील्ड वालों से आप अगर नेटवर्क बनाते जाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा आपको जॉब के एस्पेक्ट से भी बहुत जल्दी नेटवर्क बन जाता है। एक बार किसी से पहचान हो गई, वो कहीं ना कहीं जॉब लगवा देते। प्लस बिजनेस रिलेटेड भी अगर आपको एम्प्लॉय चाहिए तो आपके नजर में आ जाते कि ये है इनको जानते हैं। राइट जुनैद, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसको जिससे ऑडियंस थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि हम मोर देन अच्छा हाफ वे रीच कर गए। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्या लिस्ट में से? हाउ टू कनेक्ट इसमें योर से हाउ पेरेंट्स। टू कन्विंस योर पेरेंट्स, ये आप तो हम लोग टेक पोस्टर में जो वादा करे थे वर्क हमसे सब लोगों से कि, और जुनैद बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वेटिंग में है चैट में। तो हाउ टू करो। अच्छा कन्विंस योर पेरेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, एक सिंपल आंसर है जो मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताता हूँ बच्चों को, कि आप फोन खरीदने के लिए कैसा मनाते अपने पेरेंट्स को, करियर चूज करने के लिए भी सेम वे में मनाना है। तो इसमें आपका कंप्लीट आंसर है। अगर अच्छा फिर भी एलैबोरेट करना है तो फोन, पहली बात तो फोन खरीदने के लिए आप खुद कन्विंस होते हैं। अगर आप खुद कन्विंस नहीं है तो पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते आप करियर चूज करने के मामले में। आपको खुद को पहले यकीन आना कि ये फोन मेरे लिए वर्थ है, मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, या उसका वर्थ जो है आपको खुद को कन्विंस होना जरूरी है। और सेकंड चीज क्या है, आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं। जब फोन खरीदते हैं हम इतना रिसर्च करते हैं, लेकिन करियर चूज करते हुए रिसर्च नहीं करते, राइट? तो फोन का कितना रैम है देखते हैं, कितना स्टोरेज, या मेरे को अगर ये कुछ गेम खेलना है तो गेम रन होता है या नहीं, या इस पे कौन सा वर्जन है, एंड्रॉइड या iOS का, कौन सा कंपनी का है, ये फोन खरीदने से लोग इम्प्रेस होते हैं या नहीं, जो भी क्वेश्चन है आप लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो एटलीस्ट इतना एफर्ट, या आइडियली इससे ज्यादा एफर्ट करियर में भी देना है आपको। और एक बार आप खुद कन्विंस हो गए, और जैसा, और एक चीज ये है कि जैसा फोन का एड्स वगैरह आते हैं, एकदम फ्लैशी एड्स आते हैं, वो आप लेकर जाके पेरेंट्स को बताते हैं कि अरे देखो कि इतना अच्छा फोन है, और उसकी तारीफ करते हैं, स्लोली स्लोली करके कन्विंस करते हैं, और आपको जेन्युइन लगता है ये मेरे लिए बड़ा फोन। तो अगर आपको ऐसे लग गया कि ये करियर मेरे लिए भला है, आप उसमें इतना कन्विंस है, आपको पैशन आ गया करियर के बारे में, तो आप खुद भी कन्विंस रहते हैं, पेरेंट्स भी कन्विंस रहते हैं मोस्ट केसेस में, होपफुली। करेक्ट। बीच में और एक मेरे को मिस्टेक याद आ रही थी जो बहुत से लोग करते। वो क्या करते हैं,
अपना करियर चाइल्डहुड में डिसाइड कर लेते हैं, जब अराउंड 8th या 9th स्टैंडर्ड में रहते हैं, तो एक एक सोसाइटी का स्मॉल प्रेशर ये आता है कि आपका, वो लोग पूछते हैं बार बार कि आपको आगे जाके क्या करना है, अभी से डिफाइंड होना चाहिए तभी आप उसकी तैयारी कर सको। तो 8th 9th में इतना मतलब इंटेलेक्ट नहीं होता है कि आप क्या डिसाइड करना है अपने लिए, वो चूज कर सके। और जैसा बताया, लाइफ ऐसे फास्ट चेंज हो रही है कि जब तक वो बड़े होते कुछ और चलने लग जाता है, तो वो प्रेशर में आके वो एक चीज डिसाइड कर लेते कि अब मेरे को यही करना है। तो अब जो उन्होंने डिसाइड किया उसको डिफेंड करते 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 फिर उनको रियलाइज होता है कि ये उनकी फील्ड नहीं है, फिर भी उसको डिफेंड करने के लिए, सोसाइटी के लिए वो प्रोसीड कर देते उसको, और वो ही करने लग जाते। बचपन में करियर चूज करना ऐसे ही है जैसे बचपन में आप लाइफ पार्टनर चूज कर ले रहे हैं, हाँ बाद में इवॉल्व होते आपको लगता है कि वो सही नहीं था, तो एक सर्टेन एज के होना जरूरी है क्योंकि आपके इंटरेस्ट भी इवॉल्व होते हैं, आपके स्किल सेट भी इवॉल्व होते रहता है। तो आप 8 9 में अगर करियर चूज कर लेकर बैठे कि पक्का मेरे को यही करना है तो उतना लॉजिकल बात नहीं है, लेकिन आपको अपना इंटरेस्ट मालूम रहना कि मेरे ये स्ट्रेंथ्स है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस तो बिल्कुल जानना चाहिए, लेकिन करियर के मामले में एजिलिटी करना उतना जस्टिफाइड नहीं है। करेक्ट करेक्ट। और 8th 9th में जब रहते हैं, मतलब छोटे रहते हैं, तो उतना आइडिया नहीं होता वो फील्ड के बारे में। जैसे एग्जांपल बताया था मैं, आयरन मैन देख लिया टीवी पे, बोले मैकेनिकल इंजीनियर बनना, फिर उसके बारे में वो फिर बता देते, अनाउंस कर देते सबको कि मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। फिर जब 12th में आके पता चलता है कि ऐसे थ्योरम वगैरह होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मालूम रहता है कि ये वो चीज जो उन्होंने अनाउंस कर दिए होते हैं 8th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड से, उसको डिफेंड करने के लिए वही लेके चलते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करना। इज्जत का सवाल हो जाता, फिर सॉरी, इज्जत का सवाल हो जाता फिर हाँ इज्जत का सवाल है, अभी यही करना पड़ेगा। और दो तीन क्वेश्चन बिजनेस रिलेटेड, हाउ टू मेक अ टीम, सेम फिर वो नेटवर्किंग है उसका आंसर, और हाउ टू ग्रो अ हर्बल प्रोडक्ट बिजनेस, बिजनेस रिलेटेड नेक्स्ट इसमें हम वेबिनार लेंगे, उसके लिए पूरा सेपरेट वेबिनार रहेगा। बिजनेस रिलेटेड टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होंगे, कैसे कैसे डिफरेंट बिजनेस को ग्रो करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट हो गया, इसका फ्यूचर में पक्का और एक इस्तेमाल। क्वेश्चन ये आया था, हाउ कैन आई बिकम अ डिजिटल मार्केटर, जैद शेख से आया था क्वेश्चन ये। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, हाउ कैन आई बिकम अ डिजिटल मार्केटर, पहले वही हो गया, आइडेंटिफाई करना है कि आप उसके लिए बने हैं, यानी वो आइडेंटिफाई कैसे करना है। बहुत सारे यूट्यूब पे और गूगल पे कोर्सेस अवेलेबल है, जैसे गूगल के डिजिटल गैराज एक कोर्स है जो गूगल फ्री में दिया है, उसका सर्टिफिकेशन भी है, वो कोर्स कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप वो फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरा, अगर आपको लग रहा है कि बहुत इंटरेस्ट आ रहा है उसमें और ये फील्ड आपके लिए सही है, तो उसमें प्रोसीड कर सकते हैं, कोर्स कर लिए या डायरेक्ट इंटर्नशिप कर लिए। इंटर्नशिप करते करते आगे आप खुद सीखते जाएंगे, एक बार इंटरेस्ट आ गया तो मतलब टाइम डिफाइन नहीं होता उधर ऐसा कि इतना ही घंटे करना है, इंटरेस्ट आते जाते तो आप उसको बहुत दिल से करना शुरू कर देते, करते करते वो फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते। अभी अभी फिलहाल डिजिटल मार्केटर का डिमांड जो मैंने एनालाइज किया वो बहुत ज्यादा है, स्पेशली गुलबर्गा में। मैं उसका एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ कि यहाँ के जो कंपनीज है गुलबर्गा के, वो एम्प्लॉयज ढूंढने के लिए एड रन कर रहे हैं कि एम्प्लॉय नहीं मिल पा रहे उनको। अभी दूसरे फील्ड्स में कैसे है कि पोस्ट करते ही 50 कमेंट्स आ गए, मैं बताया ना कि इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड। ये फील्ड ऐसे कि लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम है, स्पेशली गुलबर्गा में, मेजर सिटीज में मालूम होंगे, गुलबर्गा में बहुत कम लोगों को मालूम है, इसलिए यहाँ पे सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। लोगों को अपने बिजनेस ग्रो करना है लेकिन किससे ग्रो करना है वो नहीं मालूम। नेक्स्ट क्वेश्चन चैट से आया है, शोएब फारूकी किया, टू मेक अ कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग यू गाइस चूज अ टॉपिक एंड स्टार्ट डिबेट, चूज एडवांटेज एंड अदर कैन चूज डिसएडवांटेज, मतलब इनडायरेक्टली बोले लड़ो दोनों। ऐसे मजा नहीं आ रहा है, दोनों एक ही चीज बोल रहे, मजा नहीं आ रहा, दोनों अपोजिट बोलो और थोड़ा लड़ो, थोड़ा मिर्च मसाला लगाओ। हाँ नेक्स्ट सेशन प्लान करेंगे, आपका अलग ओपिनियन होगा, ऐसी कोई टॉपिक लेके आएंगे जिसमें आपका बहुत डिफरेंट ओपिनियन होगा, मेरा कुछ डिफरेंट होगा, और दोनों फाइट करेंगे पूरे सबके सामने। रिलेटेड जस्ट पॉइंट ऐड करना चाह रहा था, वो ये है कि आप बोले को एक चीज याद है, मैं कॉन्सेप्ट शेयर करना चाह रहा हूँ। जब भी आप कौन सी भी फील्ड में जाने का आपको लग रहा है एक पैशन जनरेट हो रहा है, मैं ये फील्ड में जाना चाहिए, या एक इन्फैचुएशन भी एक फील्ड रिलेटेड, उसको डिफरेंशिएट करने का सिंपल तरीका यह है कि उसमें कुछ दिन स्पेंड करना वो फील्ड में। लोग क्या करते हैं, अगर कोई तो फील्ड में इंटरेस्ट आ गया मेरे को, तो लोग क्या करते हैं, डिग्री ले लेते पूरी 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की,
बाद में रियलाइज होता है कि यार इतनी बड़ी डिग्री कर लिया इंटरेस्ट ही नहीं है, करेक्ट तो ऐसा नहीं करना है, आपको छोटा छोटा ट्राई करना है। जैसे कि अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है, जैसे खुद का रिटेल शॉप खोलना है, तो बहुत सिंपल है कि आप एक या दो हफ्ते के लिए किसी शॉप में जाकर वर्क कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फ्री में वर्क करना चाह रहे तो लोग तो ओके बोलेंगे ना, तो आपको बहुत ईजिली मालूम पड़ जाता है, ऐसा मालूम पड़ जाता है कि मेरा इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि बाहर से ग्लैमर दिखता। और जिन्हें आपका एक पॉइंट भी से रिलेटेड था राइट, कि बाहर से हम गोल्डन देख के अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अंदर जाने को तो उसके बारीकियां इतने रहते हैं कि वो बस हो जाता। तो हर फील्ड में ऐसे बोरिंग चीजें भी रहते हैं, लेकिन आप वो बोरिंग चीजों को टॉलरेट करके अच्छी चीजों तक पहुंच सकते हैं या नहीं, वो मैटर करता है। अब जैसे कि अब मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं काउंसलिंग और ये वेबिनार ट्रेनिंग वो सब करता हूँ, लेकिन इसका बैकग्राउंड वर्क बहुत बोरिंग हो सकता है कभी कभी, कि पूरा सेटअप करना, एक्सेल में चीजें मेंटेन करना, अकाउंटिंग करना, ये बैकग्राउंड जो बोरिंग वर्क रहते हैं। लेकिन अगर मेन काम इतना इंटरेस्टिंग रहना कि बैकग्राउंड वर्क को पुश कर सकना, लेकिन इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते कम्प्लीटली। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक आप ग्रो हो गए तो आप एम्प्लॉइज को हायर कर सकते हैं या फ्री इंटर्न्स को, राइट, जबकि जैसे इंडिया में होता अनपेड इंटर्न्स। लेकिन आप एक बार ग्रो होने के बाद किसी को हायर करके वो काम को डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट तक तो आपको वो बोरिंग काम करना ही पड़ता, तो उससे एस्केप तो नहीं कर सकते। एक एग्जांपल इसमें है, जैसा आप बता रहे थे कि इनिशियली आप फ्री भी कर सकते हैं, जैसे हाउ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग पूछे थे जैन ने, तो कोर्स कर लिए, उसके बारे में रिसर्च कर लिए, अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता तो फ्रेशर को जल्दी चांस नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑप्शन आता है, जो क्या करते हैं रिजल्ट लाने के बाद पैसे देते हैं, तो आप उनके बिजनेस पे टेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ट्रैवल एजेंसी हो गई, आप उनसे जाके ये बात करो कि आपसे हम एक भी कॉस्ट नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, हम आपके बिजनेस को एज एन एक्सपेरिमेंट मार्केटिंग करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप पर लीड बेसिस या पर कन्वर्जन पे आप पैसे देंगे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप खुद भी सीख जाएंगे इसमें, और इसमें अगर लीड आप कन्वर्ट कर पा रहे, जो पढ़ाई सही से लगा दिए, तो उनकी भी इनकम आएगी और इसके साथ आपको भी इनकम जनरेट होगी, तो एक स्टार्ट कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है इसमें। राइट, तो ये वही सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ओवरलैप हो रहा है कि आप फ्री में जाके कहीं वर्क कर देना, या बेसिकली बिना फाइनेंशियल कमिटमेंट लिए आप वर्क करना ट्रायल बेसिस पे। मैं ये बोल रहा था कि वही कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा था, सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि आपको छोटे छोटे ट्रायल करना है, बेसिकली बिना किसी से फाइनेंशियल कमिटमेंट लिए आपको ये टेस्ट करना है कि मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोले या किसी शॉप में जाके वर्क करना हो, मतलब ये सिमिलर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। राइट, करेक्ट, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो व्हाट्सएप लिस्ट का है, और एक लास्ट क्वेश्चन है जो चैट का है, ये दोनों क्विक क्विक ले लेंगे, उसके बाद डिसाइड करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का ये लास्ट क्वेश्चन है, डोंट नो हाउ टू मेक अ सीवी लाइक मी, आई डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट माय सीवी टू एनी एचआर, सो प्लीज टीच मी और हेल्प मी आउट, ठीक। ये क्वेश्चन है सीवी के बारे में, मैं बोलना चाहूंगा दो टाइप के सीवी होते हैं, एक सिंपल एआई बेस्ड सीवी होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ में आए, आजकल ये बहुत चल रहा है, कंपनीज के पास इतने सीवी आते हैं कि वो मैन्युअली एक एक करके चेक नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, जैसे डेटा साइंस का अगर कोई सीवी है तो उसमें डेटा साइंस क्या क्या किधर किधर मेंशन है, कौन सा कीवर्ड मैच हो रहा है, वो सेलेक्ट करते हैं, वो बेस पे सीवी स्कैन होते हैं। तो अगर आप क्रिएटिव सीवी बनाना चाह रहे ऐसी जगह पे जहाँ पे टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा है, तो वो सीवी आपकी लेफ्ट आउट हो जाती है, और अगर आपकी जॉब जैसे डिजिटल मार्केटिंग की कोई क्रिएटिव जॉब है तो आप अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो सीवी पे, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली स्टैंड आउट करना है दूसरे सीवीज के सामने। इसमें और एक बेस्ट एग्जांपल वेबसाइट बनाना है, जैसे अभी मैंने junaidkhedi.com लिया, तो ये वेबसाइट पे अगर आप सीवी प्रेजेंट कर रहे हो और आपकी फील्ड सेम वेबसाइट रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वही स्टैंड आउट हो गया, बाकी लोग नॉर्मल सीवी लेके आ रहे थे, आप वेबसाइट पे डिजाइन कर दिए, अपनी स्किल्स भी बता दिए उधर कि मैं ये कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ। तो बेसिकली आप ये बोलने की बजाय कि मेरे पास ये स्किल है, आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि मैं ये स्किल को यूज करके ये प्रोडक्ट बना दिया ऑलरेडी, जैसे कि आप बोलने की बजाय कि मेरे को वेब डिजाइनिंग आता है, एक वेबसाइट डायरेक्टली बता सकते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया, लेकिन और इसको आप एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस खत्म हो गए जो व्हाट्सएप के थे, अभी लाइव और क्वेश्चंस आ रहे हैं। इज गवर्नमेंट जॉब बेटर देन बिजनेस, शोएब फारूकी पूछ रहे हैं। तो मैं इसका शुरू करना चाह रहा हूँ आंसर। अब तक जो हिस्टोरिकली आते आया है इंडिया में ये है कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत एक स्टेबिलिटी रहती थी, इरेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन आपको मंथली सैलरी फिक्स रहती और पेंशन मिलती थी, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसा हो गया कि वो सिनेरियो बहुत हद तक चेंज हो गया।
बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब है वो एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन बाहर कॉन्ट्रैक्ट है प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा। तो इवन दो मैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो देखने में आ रहा है वो ये है कि वो सिक्योरिटी अभी कम होती जा रही जो पहले थी। और अच्छा, बिजनेस दोनों चीजें भी रिस्की है, लेकिन बिजनेस में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन था ना शोएब फारूकी का। गवर्नमेंट जॉब का इतना आइडिया तो नहीं है मेरे को, लेकिन इतना तो उसमें एंटर करना बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए स्टडीज बहुत ज्यादा लगती तो मैं है। ये बोल रहा था कि गवर्नमेंट जॉब में इंडिया में एटलीस्ट जो हिस्टोरिकली जो सिक्योरिटी थी वो अभी सिनेरियो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। बहुत सारे जॉब्स आउटसोर्स कर दे रहे, प्राइवेटाइज कर दे रहे। तो आप अपने स्पेसिफिक डोमेन देखिए, उसमें ट्राई आउट कर सकते हैं, बिल्कुल नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आप उस पर ही डिपेंड रहना वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि एक गारंटी की वो मिल जाता बोल के, तो एक वो फेक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाता फिर, राइट। और अगर बिजनेस की बात करें तो जो मैं सुना बिजनेस के बारे में, जो मैं सीखा वो ये है कि इट्स अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एंडेवर। आप ज्यादा रिस्क लेते हैं लेकिन बदले में आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। आप किसी के अंडर में वर्क नहीं करते या पूरे इक्विटी ओन करते हैं। करेक्ट। मेरे दिमाग में दो ऑप्शन आ रहे थे, अगर गवर्नमेंट जॉब कंसीडर कर रहे हो तो वो हार्ड टू एंटर है, इजी टू सस्टेन। बिजनेस इजी टू एंटर और हार्ड टू सस्टेन। जी, मैं बोल रहा था बिजनेस में एंट्री इजीली मिल जाती है, लेकिन उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर प्लान सही प्लान नहीं है और एक्सपर्टीज नहीं है। बिजनेस में कोई भी एंटर हो सकता है, उसमें ओपन टू ऑल है वो, लेकिन उसको कैसा सस्टेन करना है, कितना पेशेंस की जरूरत है, कितने स्किल्स की जरूरत है, कैसा मैनेजमेंट रहेगा, ये सब कंसिडर्ड होता है। और गवर्नमेंट जॉब का ऐसा सुना था मैं, पक्का नहीं मालूम, लेकिन एंटर करना उसमें बहुत डिफिकल्ट है। एक बार एंटर हो गए तो उसमें स्टेबिलिटी रहती है फिर भी, एज कम्पेयर टू बिजनेस। राइट। इसमें मैं थोड़ा मेरा पर्सनल चीज शेयर करना चाह रहा था कि मेरा बिजनेस में क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। तो इवन दो मैं बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा जस्ट बैचलर्स और मास्टर्स कंप्लीट हुआ, राइट। तो मेरा मास्टर्स 1.5 ईयर पहले हुआ अराउंड। तो जनरली लोग साइकोलॉजी में आने के बाद 9 to 5 जॉब ढूंढते हैं क्योंकि वो कन्वेंशनल पाथवे है, उसमें स्टेबिलिटी है वगैरह। लेकिन मैं उस चीज को अवॉइड करना चाह रहा था शुरू में और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। तो मैं अब आमिर एकेडमी एंड काउंसलिंग सेंटर जो है गुलबर्गा में ये स्टार्ट करा। तो इससे कुछ हम लेसन्स लेना, तो उस पर फोकस है मेरा। तो मैं अराउंड 11 months पहले फोकस स्टार्ट करा ये एकेडमी, और उसमें जुनैद का भी आइडियाज का वगैरह कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो मैं अगर ऑनेस्टली बताया तो ये लास्ट 11 months में मैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस कितने करा, अगर मैं बताया अराउंड 40 के आसपास या 40+ काउंसलिंग सेशंस करा। तो अगर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की बात है तो ये बहुत कम है अमाउंट, अगर रफली बोला जाए तो वीकली 1 सेशन वैसा। तो ये एक रियलिटी है कि आप एक ऐसे शहर में ऐसा कुछ बिजनेस स्टार्ट करें जहाँ पे उसका मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जैसे कि गुलबर्गा शहर में साइकोलॉजी का मार्केट स्ट्रांग नहीं है, जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है। लोग अभी जस्ट रियलाइज कर रहे हैं कि काउंसलिंग नाम की भी चीज़ है, उसको फायदा हासिल करना वगैरह। तो इवन तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला कि बिजनेस कैसे रन करते हैं, कैसा फाइनेंस को हैंडल करते हैं, कैसा मार्केटिंग करना, कैसे वेबसाइट डिजाइन करना, कैसा प्रमोट करना। ये इनवैल्यूएबल लेसन थे, बहुत ही वैल्यूएबल चीज सीखने को मिला। लेकिन अगर वही रियलिटी देखा जाए तो नंबर ऑफ सेशंस इतने लिमिटेड थे कि उसमें फुल फ्लेज बिजनेस या सस्टेनेबल बिजनेस बोलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे हम टर्निंग पॉइंट पे जब आते हैं हम लोगों को और उसको इवैल्यूएट करके इम्प्रूव करना पड़ता है। तो ये मैं एक छोटा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि अगर आप 9 to 5 अवॉइड भी करना चाह रहे हो और बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये रियलिटी है कि आपको इनिशियली सस्टेनेबल इनकम नहीं मिलती। और अगर मैं थोड़ा एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐड करूँ तो वो ये है, रिच डैड पुअर डैड जो बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, वो बुक भी है और उसके यूट्यूब वीडियोस भी है। उसमें वो ऑथर ये बोलता कि सबसे रिकमेंडेड पाथ उसके हिसाब से ये है कि शुरू में आप बेसिक जॉब भी कर लेना और जॉब के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बिजनेस पे वर्क करना। इनिशियली आपको जॉब अगर इतनी इनकम दे रहा है स्टेबिलिटी के साथ और आपका बिजनेस जीरो पे है तो उसका थोड़ा थोड़ा इनकम और एनर्जी आप इधर स्पेंड करते जाना। फिर जैसा जैसे जॉब बिजनेस एक लेवल पे पहुंच जाए कि आप स्टेबिलिटी अचीव कर रहे हैं जब आप जॉब को क्विट कर सकते हैं। कई लोग क्या होता है सडनली मोटिवेट होकर अगर जॉब भी क्विट कर दे तो बहुत रिस्की हो जाता हो। करेक्ट तो आप ये देखना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल बैकिंग कितना है, कितना कैपिटल आपके पास, और क्या आप पे कोई डिपेंड है फाइनेंशियल, ये सब फैक्टर्स को आप देखना जरूरी है। लेकिन शुरू में जॉब करते करते पैरेलली बिजनेस को ग्रो करना ये मेरे हिसाब से बेस्ट बेट है आपके लिए। करेक्ट। बिजनेस को करने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है और बहुत चीज सीखना पड़ता है। इसमें एक बुक में पढ़ा था मैं भी, ई मिथ, एंटरप्रेन्योरशिप मिथ नाम की बुक है। उसमें ऐसा था कि अगर आपको गुलबर्गा का बेस्ट केक बनाना आता है तो आप गुलबर्गा के बेस्ट केक बेकर हो गए। अगर आप जॉब कर रहे हैं एक बेकरी में और आप सबसे अच्छा केक बना पा रहे हैं, तो आपके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं सबसे बेस्ट बना रहा हूँ तो मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ।
तो ये उम्मीद में वो अपना एक सेपरेट बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो उनको सबसे बेस्ट केक बनाना आता है गुलबर्गा में, लेकिन उनको बेचना नहीं आता है, वो सीखना भूल जाते हैं वो लोग, और ऐसे ही सुन सुन के स्टार्ट कर देते हैं। वो समझते हैं कि अगर सबसे अच्छा बना सकती तो मैं क्यों नहीं बेच सकती, मैं किसी और के लिए काम क्यों करूँ। तो बहुत जल्दी इमोशनल डिसीजन लेके हट जाते हैं वो पार्ट से, तो वो चीज साइड में ग्रो करना या सीखना भूल जाते। तो इसमें वैसे ही है कि आपको सेल करना भी आना चाहिए, मैनेज करना भी आना चाहिए, या आप जॉब रख के भी आहिस्ते आहिस्ते सीख सकते हैं, वो चीज में एक्सपर्टीज भी होती रहेगी, प्लस आपको बिजनेस मैनेज करना भी आएगा, प्लस वो साइड में ग्रो भी होते रहेगा, आपका पर्सनल ब्रांड भी जैसे बनता जाएगा। राइट, और तो ये एग्जांपल दिया गया था जो आप लोकल के लिए मॉडिफाई करें, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट। गुलबर्गा का मेंशन नहीं था उसमें, नहीं शायद लोग समझेंगे कि अरे वो बुक में गुलबर्गा का एग्जांपल था। और एक चीज ये है जो अगर मेरे को सही से याद आ रहा है तो रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड का ऑथर उसी का एग्जांपल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ये बोलता था कि आई एम नॉट द बेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड बट आई एम अ वेरी गुड सेलर, ऐसा कुछ बोलता बेसिकली उसके बुक, क्योंकि वो जापानीज अमेरिकन है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो ओरिजिनल इंग्लिश स्पीकर नहीं है तो उसकी लैंग्वेज इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो बुक के बहुत बहुत कॉपीज बिके और उससे वो इतना कमाया। तो बेसिकली वो एक अच्छा सेलर है, बुक को अच्छे से मार्केट करा, और ऐसे नहीं कि बुक में कुछ वैल्यूएबल चीज नहीं है, लोग पढ़ते भी फायदा उठाते हैं उसे, लेकिन वो बुक को सेलेबल बनाना जरूरी है, लोगों तक पहुंचना, लोगों को वर्थी दिखना। करेक्ट। एग्जाम्पल शोएब, आपको अगर केक का बिजनेस करना है लेकिन आपको बेस्ट केक नहीं बनाना आता, लेकिन आपको बिजनेस आता है और उसको मार्केट करके सेल करना आता है सही लोगों के पास, तो आप बेस्ट केक बेकर को हायर करके बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको उसमें एक्सपर्ट बनना है, अगर आपको बिजनेस में एक्सपर्ट बन गया और वो फील्ड का रिलेटेबल नॉलेज है, आप बिजनेस कर सकते। तो आपको ये देखना है कि बिजनेस में किधर नॉलेज है और कैसे सीखते जाए। तो जुनैद, अगर आप चाहें तो हम लोग कुछ वो पॉइंट्स पर मूव हो सकते हैं जो पोस्टर में मेंशन्ड है, शायद लोग उसका आंसर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अगर कोई दूसरे क्वेश्चन अभी पेंडिंग नहीं है चैट में तो मूव होंगे। एक क्वेश्चन है चैट में, लास्ट है, इंडिया में जॉब करना बेटर है या फॉरेन में? डिपेंड, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें। आप बताइए, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, राइट? तो जनरली हम लोग तो दूसरे कंट्रीज से अट्रैक्ट होते हैं और उसमें क्योंकि अपॉर्चुनिटीज दिख के आते हैं डेवलप कंट्रीज, तो डेवलप कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पे अभी है, तो ऑब्वियसली उसमें डिफरेंसेस बहुत रहते हैं, लेकिन उसमें दूसरे फैक्टर्स भी है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा रहता है, या फिर वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट सैचुरेटेड हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो डिपेंड्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कंटेक्स्ट। और एक अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कंट्री में आप बहुत कम पैसों में एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं छोटा मोटा, अगर उसकी मार्केट एक्सिस्ट नहीं करती तो आप उसमें ग्रो कर सकते हैं या मार्केट को ग्रो करते हुए। तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री दोनों में भी अपने अपने अपॉर्चुनिटीज है, और डिपेंड किया आप रिटर्न कब आने का प्लान कर रहे, क्योंकि मार्केट वहां भी अलग होगी यहाँ भी अलग होगी। हाँ, फिर वो मार्केट कंडीशंस वैल्यू रखते हैं या नहीं इंडिया में, वो भी बहुत सारा इशू आ जाता है। जैसे कि कोई लोग सोचते हैं जाके 3-4 साल बाहर कमा के आ जाएंगे, लेकिन फिर जब आता चलता है कि वहाँ कुछ और था यहाँ कुछ और है, यहाँ पे एज अ फ्रेशर स्टार्ट, क्योंकि वहाँ की मार्केट टोटली अलग है, एज अ डिजिटल मार्केट भी अगर मैं कंसिडर करूँ, वहाँ पे वो चीजें चलती है, यहाँ पे नहीं चल पाती है, यहाँ जो चलता है वो वहाँ चल पाता है। राइट, और एक पोटेंशियल ट्रैप ये है कि कुछ कंट्रीज में अगर आप इंडिया की पढ़ाई करके गए हैं तो उसको अप टू द मार्क कंसिडर नहीं करते आप, फिर आपको एडिशनल ईयर्स पढ़ना पड़ता या एडिशनल क्रेडिट्स आपको अचीव करना पड़ता, तो ये फैक्टर्स जो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देता कि आपको लग रहा है मेरे पास मास्टर डिग्री है या बैचलर्स डिग्री है, लेकिन हो सकता है वो कंट्री की सबसे वो सफिशियंट नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स आप नहीं पढ़े, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करना पड़ता, राइट? 21st सेंचुरी स्किल्स बोल के हम लोग मेंशन करें पोस्टर में, 21st सेंचुरी स्किल्स इसमें होंगे जो हम लोग। हाँ करेक्ट, 21st तो आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आज के डेट में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम लोग यूजुअली ओवरलुक कर देते हैं? जी, आईटी का एक हाइप आया है, अगर जॉब स्किल्स के बारे में बात करें, जॉब या बिजनेस, टेक डिपार्टमेंट जो है उसका बहुत ज्यादा हाइप आया, वो मेरे को बहुत मतलब कंसिडर कर रहा हूँ मैं। अगर कोई बोलते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स, हाँ, तो आईटी स्किल्स, जितने भी टेक्निकल फील्ड के जितने भी स्किल्स हैं, ऐसा सुना था मैं कि अमेज़न के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसमें से एक प्रॉफिटेबल सिर्फ AWS है जो आईटी रिलेटेड। इसमें मैं ये बोलना चाह रहा था क्योंकि हम सब लोग ये चीज जानते, लेकिन और रियलाइज करना चाहिए हम डेप्थ में कि
जो कोडिंग स्किल्स है या इन जनरल टेक्निकल स्किल्स है, आज के डेट में ज्यादातर कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो टेक्निकली रन होते हैं, हर चीज जो नॉर्मल डिवाइसेस पे थे वो भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। इवन जो नॉर्मली मैकेनिकल डिवाइसेस पे थे, फ्रिज वगैरह, उसमें भी स्मार्ट फीचर्स आते जा रहे हैं। तो एक इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी देखें, आपको जॉब लेना है, करियर बनाना है, तो टेक्निकल स्किल तो सीखना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँ कि हर किसी को आईटी में जाना चाहिए, लेकिन टेक्निकल स्किल्स या कोडिंग जो है वो आपके थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के वैसे सोचना शुरू कर दिया, आप हर प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली कुछ प्रॉब्लम आए तो हम लोग ओवरवेल्म फील करते हैं, इतने सारे वेरिएबल्स आ जाते, राइट? लेकिन अब एक सीएस इंजीनियर की तरफ सोचने लगे तो क्या क्या फैक्ट्स है पहले उसको लेते हैं, फिर उसको एक के बाद एक एनालाइज करते हैं, फिर इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर जनरली बोले तो एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव या साइंटिफिक अप्रोच बोल सकते हैं इसको। जितने भी AI related, artificial intelligence related skills है, मैं उसको consider कर रहा हूं कि वो अभी भी बहुत ज्यादा डिमांड में और आगे भी रह सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग से ही अगर कंपेयर करें, पहले कंटेंट खुद लिखते थे, अभी उसके भी AI टूल्स आ गए, तो इससे क्या हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी वैल्यू कम हो रही है और फिर वो AI बेस्ड जो प्रोग्रामिंग है उसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है। अब कंटेंट डायरेक्ट रोबोट लिख रहा है, उसको डायरेक्ट कीवर्ड्स दे दो, पॉइंट्स दे दो, क्या क्या लिखना है, पूरे ऐसे लिख दे रहा है वो, कितने भी सेकंड्स में, 20-30 सेकंड्स में, उसको ही थोड़ा ऑप्टिमाइज करके अपना कंटेंट अपना नाम डाल के डाल सकते कि क्रिएटेड बाय जुनैद कैदी। तो इससे क्या हो रहा है, डिजिटल मार्केटर का काम कम हो जा रहा है और AI के जो डेवलपर्स है उनका काम बढ़ जा रहा है। तो एज अ फ्यूचरिस्टिक में जो देख रहा हूँ वो AI पे है। आपको वेबसाइट रिकमेंड करना चाहे लोगों को जिसमें ये चीज ट्राई कर सकते हैं, वो लोग मेंशन भी कर दीजिए आप मैसेज में। copy.ai एक वेबसाइट है, उस पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और ओपन AI प्लेग्राउंड भी एक है, इसमें आप थोड़ा जनरलाइज टास्क कर सकते हैं। बहुत बहुत सारे टूल्स निकले जो पोस्टर्स भी बना देते हैं, वेबसाइट्स बना देते हैं, खाली आप इनपुट्स डालिए आपको पोस्टर मिल जाएगा, वेबसाइट्स मिल जाएगी। तो आज के जमाने में जब चीजें और जॉब्स ऑटोमेट होते जा रहे हैं, तो आप मशीन्स को अगर कंट्रोल करना सीख गए तो आपका जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है आपको एक हद तक। जैसे कि इमेजिन ट्रांसक्रिप्शन, एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ मैं, आपको ऑडियो फाइल दिया जा रहा है और आपको जॉब है कि उसको टेक्स्ट में टाइप करना है, तो ये अगर आपका स्किल है, आजकल ये बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो जा रहा है क्योंकि गूगल या दूसरे सर्विसेज से जो ऑडियो फाइल दिए तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी आपको रिलेवेंट रहना है तो वो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना या क्रिएट करना सीखना, तो आप उसके इंजीनियर बन जाना। तो जैसे आप उस पर पेस मेंटेन करना पड़ता आपको, और क्या क्या स्किल्स ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? मेरे को अभी जो सबसे हॉट स्किल लग रही है वही है, प्लस और एक बिजनेस स्किल्स है जो एवरग्रीन है, मेरे हिसाब से एक्चुअल एवरग्रीन है वो, जिसको ये आ गया वो कोई भी स्किल को लेके किसी को हायर करके कर सकते हैं कुछ भी। बाकी कितने भी ट्रेंड चेंज होने दो, अगर AI पे आ रहा है सब कुछ तो उस पर भी वो बिजनेस कर सकता है, अगर उसको सेंस है बिजनेस। बस और मैं इसमें और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट सुना था, वो बंदे का नाम था नवाल रविकांत, तो शायद उनके कुछ फैंस भी होंगे ऑडियंस में से, शायद एक दो होंगे। तो नवाल रविकांत एक बहुत टेक वाला बंदा है और बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है, तो उसके पॉडकास्ट में रिसेंटली बताया कि ऐसे कौन से स्किल्स है जो बहुत जरूरी है सीखना आज के जमाने में। तो वो कुछ मेंशन करा जो मेरे को याद है कि रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, कोडिंग, ऐसा 4-5 कुछ मेंशन करा। तो अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि वो कितना डीप पॉइंट था एक्चुअली। रीडिंग राइटिंग हम लोगों को लगता है हम लोगों को तो आता ऑलरेडी, राइट? लेकिन उसको डीप में समझना जरूरी है। रीडिंग मतलब है क्या, बुक रीडिंग कर पा रहे हैं क्या, ऑनलाइन जो आर्टिकल्स मिल रहे हैं आपको आप उसको गेन कर पा रहे हैं या नहीं, जैसे कि कम टाइम में ज्यादा नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना। अगर बुक है उसको आप पूरी A to Z पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको कोर आइडिया से कुछ घंटों में निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत एक स्मार्ट स्किल है। और राइटिंग की अगर बात करें तो जुगा इसको और ऐड कर सकते हैं कि कॉपी राइटिंग जिसको बोलते हैं, एड्स क्रिएट करना, ऐसे टाइटल्स क्रिएट करना जो लोगों को अट्रैक्ट करे। कॉपी राइटिंग की बात चल रही थी जो है कि रीडिंग एंड राइटिंग जो स्किल है, राइटिंग को हम कॉपी राइटिंग के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट ऐसे रहना, आपके टाइटल्स या आर्टिकल्स या वेबिनार के टाइटल्स ऐसे रहना कि लोग उससे अट्रैक्ट होना, तो ये एक राइटिंग का स्किल है। सिर्फ ऐसे नहीं कि आपको इंग्लिश लिखना आ रही, ऐसा लिखते इफेक्टिवली वो भी एक स्किल है, फास्ट रीडिंग, इफेक्टिव रीडिंग और इफेक्टिव राइटिंग। और अरिथमेटिक की अगर बात करें, बेसिक मैथ्स वगैरह, ज्यादा लोग मैथ्स से नफरत करते हैं ऐसा लगता है, लेकिन इतना जरूरी स्किल है कि अगर आप एक बिजनेस रन करें, आपको अपना अकाउंट्स रन करने आना, कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। आप शौक होंगे सुनते कि कई ऐसे स्मॉल बिजनेसेस है जो प्रॉपर अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, आप अगर लगता है जो आप देखे होंगे ना,
ज्यादातर स्मॉल बिजनेस अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, मतलब कोई एक बंदा रहता है, पर्सन डिपेंडेंट रहता है बेसिकली वो बिजनेस, एक बंदा रहता है उसके दिमाग में हर चीज रहता है, हर एक के रेट से कितना आया कितना गया। अगर हम उनको पूछे एग्जैक्टली आपको ग्रोथ हुआ या नहीं, उनका स्पेसिफिक आंसर नहीं रहता। तो एज ए बिजनेस मैन आपको, स्पेशली एज ए स्मॉल बिजनेस मैन, ये करना बहुत 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 जरूरी है कि आपको एग्जैक्ट आपको डेटा रहना। जैसे मैं आपको बोला कि मैं 40 प्लस सेशंस करा लास्ट 11 मंथ में, ये एग्जैक्ट मेट्रिक है, तो एवरेजिंग टू वन सेशन पर वीक। नहीं तो या होता था, हम ट्रैप में ये पड़ जाता था कि कभी कभी ऐसा लगता था अरे बहुत क्लाइंट्स आ जा रहे, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्लाइंट्स नहीं आ रहे। लेकिन हमारे हम थॉट्स इमोशंस पर डिपेंड नहीं रहना, एग्जैक्ट डेटा पर डिपेंड रहना। तो ये अरिथमेटिक में हो गया और कोडिंग तो ऑलरेडी हम कवर कर लिया। करेक्ट। इसके एक्सटेंडेड में मैं कॉपी राइटिंग को थोड़ा सा एक्सपांड करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से उसकी स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, 21st सेंचुरी के लिए, क्योंकि कॉपी राइटिंग की बात है, ये डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत अंडर रेटेड है, लोगों को मालूम भी नहीं कि कॉपी राइटिंग होती क्या है। जैसा आमिर ने बताया, मतलब सब बोलते हैं कि मेरे को लिखना आता है, लेकिन कॉपी राइटिंग एक अलग चीज, उसको कैसे वे में लिखना है। लोग जब एड्स रन करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज करोड़ के एड रन करते हैं, एग्जाम्पल 1 करोड़ का कोई एड रन कर रहा है, उसमें 2 करोड़ इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन कॉपी राइटर आता है, वो एक टैगलाइन चेंज कर देता है अपने एड कॉपी में से, जो एड के बनती है ना कॉपी सोशल मीडिया पे जो जनरेट होते हैं, तो उसका एक एड अगर कॉपी उसने चेंज किया और उसका टेक्स्ट चेंज किया थोड़े से, उसे 1-2 करोड़ का 3 करोड़ जाता है वैल्यू, तो प्लान की उतनी वैल्यू होती है। तो इसलिए कॉपी राइटिंग का बहुत ज्यादा डिमांड। और ये जो आप एग्जाम्पल बोले ना, मेरे लिए काफी माइंड ब्लोइंग लगा, मेरे को बहुत अमेजिंग लगा कि हम लोग छोटे स्केल पे सोचते हैं अरे एक वर्ड चेंज होने से क्या होता है, लेकिन जब इतने बड़े लेवल पे एक एड कैंपेन 1 करोड़ का हुआ, जैसे इमेजिन किसी बड़ी कंपनी वाले इंडिया लेवल पे एड रन कर रहे हैं, तो करोड़ तो बहुत कम हो गया, मल्टीपल करोड़ का उनका रहता बजट, राइट? इवन एक सिंगल एड कैंपेन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2 करोड़ और 1 करोड़ के बीच में डिफरेंस एक वर्ड का हो सकता है। जस्ट मैं हमारा पर्सनल भी एक सीक्रेट शेयर करना चाह रहा था, मैं और जूनियर क्या करते हैं, जब भी कोई बिजनेस की बात है, हम लोगों का एक कॉमन फेवरेट ऑथर है जिसका नाम है साबरी सूबी, तो बुक लिखा हाउ टू सेल लाइक क्रेजी, सेल लाइक क्रेजी बहुत रिकमेंडेड बुक है। तो ऑथर क्या कर रहा है, बुक के साथ साथ में एक पीडीएफ फाइल भी ऑनलाइन पब्लिश कर दिया जिसमें पावरफुल वर्ड्स की लिस्ट है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बोला तो अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, एक्सक्लूसिव, टाइम लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, शायद मोर देन 100 उसमें से आप सेलेक्ट करके अपने टाइटल्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइनली फेक नहीं। तो इससे क्या होता है, पावर जनरेट होता है आपके टाइटल्स में, तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर पॉइंट कवर हो चुका है। राइट, जस्ट ये एक पॉइंट शायद मिस हो गया कि हॉट करियर्स जो पोस्टर में मेंशन करें हम लोग, ऐसे कौन से करियर्स है जिन्हें जो आपके हिसाब से बहुत अभी चल रहे हैं आजकल, लेकिन विद डिस्क्लेमर दे दीजिए ये चीज। मेरे हिसाब से जितना मेरे को आइडिया हो, जितना मैंने एक्सप्लोर किया हूँ, अगेन वही डिजिटल मार्केटिंग टॉप पे जितना मैंने एक्सप्लोर किया हूँ और जितना डिमांड मैंने देखा हूँ, बहुत ज़्यादा डिमांड में है एज अ करियर, प्लस बिजनेस एज अ करियर जैसा मैंने बताया था, एज अ जॉब नहीं, एज अ बिजनेस अगर कंसिडर कर रहे तो वो भी बहुत बेटर है, प्लस जितने भी टेक रिलेटेड है वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इवन आप स्टॉक मार्केट भी अगर एनालाइज करेंगे तो आजकल टेक के स्टॉक ही ज़्यादा चल रहे हैं। लाइव एग्जांपल है, ओपन करके देख सकते हैं अगर लार्ज स्केल पे कोई एग्जामिन कर रहे तो मैं पूरा टेक साइड में भी आप अपना ओपिनियन बताइए। राइट राइट, इसका आप जो पॉइंट बोले उसका एक उसके सपोर्टिंग में एक रीजन ये भी है कि जो टेक कंपनीज है वो बहुत ज्यादा कैपिटल को मैनेज करते हैं, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एसेट्स को मैनेज करते हैं, तो उनका इक्विटी वगैरह इतना ज्यादा है, शायद मैं टेक्निकली राइट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली उनका मार्केट में इतना बड़ा एग्जिस्टेंस है, तो लोग जो नेचुरली टेक की तरफ जा रहे हैं अंडरस्टैंडेबल, लेकिन उसमें थोड़ा सा करना पड़ता। और अगर मैं पर्टिकुलरली बोला तो डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियर, तो ये सब भी बहुत ज्यादा बूम पे है। जस्ट हम लोग जितने लोगों को पहचानते हैं उसमें से कुछ लोग तो ऐसे कि बहुत सारे लोग डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स में जा रहे हैं, तो अगर आप ये समझ पाए जॉब मिलने के चांसेस भी हाई रहते हैं, या जॉब नहीं भी मिला तो ये स्किल इतना पावरफुल है कि आप अपने खुद के हैबिट्स को एनालाइज कर सकते हैं, अपने खुद के फाइनेंसेस को उसमें पैटर्न देखने लग सकते हैं। अगर वो चीज परफेक्टली आ गई, लोग बहुत है, समझो 1000 लोग है उसमें से सही करने वाले 100 है, तो आपका 900 कट ऑफ तो ऐसे ही हो गया कंपटीशन। तो ये चीज मैं कम्प्लीटली अग्री करता हूँ कि फिलहाल आज की डेट की बात करें तो डेटा
एनालिटिक्स वगैरह, इसका बहुत बहुत हाई, इतना हाई रिक्वायरमेंट है कि आप कौन से भी बैकग्राउंड से हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ डिग्री, विद इन 3 मंथ्स अगर आप क्विकली स्मार्टली कर सके, विद इन 3 मंथ्स आप ट्रेनिंग लेके, इवन फ्री की ट्रेनिंग लेके आप अपना जॉब करियर शिफ्ट कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स में. ये अब तक हिस्टोरिकली इतना रैपिड चेंज शायद नहीं आया हम कभी भी. करेक्ट. मैं बस इसका डिस्क्लेमर थोड़ा ये देना चाह रहा था, अगर आप लोग कुछ लोग गौर से सुने होंगे तो एक आपको पॉसिबल कॉन्ट्रडिक्शन लग सकता है. एक तरफ हम लोग ये बोले कि क्राउड को फॉलो नहीं करना है और एक तरफ हम लोग हॉट प्लेयर्स भी बता रहे हैं. इसका अगर आप स्मार्टली समझे तो इसका आंसर ये है कि हॉट करियर्स मतलब इसमें पॉसिबिलिटी स्टैटिस्टिकली आपकी बढ़ जाती है सक्सेसफुल होने की और मार्केट रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको अपना स्किल और आपका इंटरेस्ट देखना ही है. इवन दो ये हॉट करियर्स है लेकिन आप बिना स्किल के नहीं आ सकते, बिना इंटरेस्ट के जाना भी अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि आप बोर हो जाते हैं. तो पहले के पॉइंट्स भी वैलिड है, आप इसको अच्छे से समझना जरूरी है, चांसेस ज्यादा है सक्सेसफुल होने के. नहीं और प्लस ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो करियर ऑप्शन बहुत हॉट है और उसमें क्राउड ना हो, क्योंकि इतना ओपन है, अगर कोई ट्रेंडिंग पे है करियर ऑप्शन तो उस पे क्राउड होगा ही होगा. ये बहुत बड़ा तो कैच क्राउड है. को कैसे टैकल करना. हाँ और एक मैं जनरल टिप शेयर करना था जो मेरे को याद आ रहा, कोई जैसे कि इंजीनियरिंग भी पढ़ लिया, डेटा साइंस भी आज के डेट में जब पढ़ लिया, अगर आप तो अगर आप सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, आप उसका जो क्राउड है उसके टॉप 10% में रहना. जैसे कि आज के डेट में आप कौन से भी इंजीनियरिंग कॉलेज में निकले हैं लेकिन जो आपका पियर्स है उसमें से आप टॉप 10% में निकल गए तो आप इजिली आप प्लेस हो सकते हैं. लेकिन वही आप एवरेज स्टूडेंट है और एवरेज से कोर्स कर रहे तो चांस बहुत बहुत ड्रॉप हो जाते हैं. योर फील्ड आप अपने टॉप में रहे तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. शुरू में एज एन इंटर्नशिप या फ्री में भी करना पड़े तो अगर आप कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी टॉप में आ गए, क्योंकि थोड़े लोग उससे ही बैकआउट हो जाते हैं शुरू में या इंटर्नशिप क्यों करना, उनको डायरेक्ट जॉब चाहिए रहता है कि 30-40,000 कोई दे दे इनिशियली. और बाय द वे अभी हम लोग सेशन के एंड के थ्रू तरफ जा रहे हैं और लोग अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो अभी टाइम है आपके पास और हम लोग कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, हाउ कैन आई इंप्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स. ये मेरे को लग रहा है आपके नेक्स्ट वेबिनार में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं. ये प्योरली आपका टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर. तो यहाँ पे शोएब का क्वेश्चन है कि व्हेन इज योर नेक्स्ट सेशन, ये तो भी प्लान नहीं है तो आप लोगों के इनपुट्स के बेसिस पे हम लोग टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं. इरादा तो हमारा यही है कि कंटिन्यूसली बहुत सारे वेबिनार्स करना होपफुली, तो जब भी होगा हम लोग उसको अनाउंस करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, अपने अकाउंट्स पे. और कम्युनिकेशन स्किल्स का मैं ब्रीफली बताया हूँ, एक दो मिनट लेके. कम्युनिकेशन मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कोई एक इंसान एक दूसरे इंसान तक कुछ इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, वो एक कम्युनिकेशन है ना. अगर ब्रॉडली देखा तो ह्यूमंस या नॉन ह्यूमंस भी आ सकते हैं क्योंकि एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं, ह्यूमंस भी कम्युनिकेट करते हैं. अगर ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले लिया तो आपको अपनी बात या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचाना है. अगर तो आपको कैसे इम्प्रूव करना स्किल, आप जो बोल रहे हैं वो कम सेंटेंस में कम वर्ड्स में बहुत कुछ आप एक्सप्रेस कर पाते हैं. जैसे पोएट्स करते हैं, कुछ पोएम 4 लाइन की पोएम रहती है लेकिन आप पढ़ के आपको माइंड ब्लो हो जाता, तो वो स्किल है कम वर्ड्स में ज्यादा चीजों को एक्सप्रेस करना. और सेकंड चीज है कि क्लैरिटी रहना आपके वर्ड्स में. और थर्ड चीज ये है कि वो सामने वाले के लिए रिलेवेंट रहना और टू द पॉइंट रहना. तो ये कुछ बेसिक कोर प्रिंसिपल्स है. और हाउ टू इम्प्रूव में अगर आप आए तो बेसिक चीज ये है कि चीजों को रिपीट करना आप स्किल्स को, आप बार बार एक्सपोज हो के आपका स्किल बढ़ते जाता है और उसको स्मार्टली रिपीट करना है. हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है. जैसे कि आप हर बार किससे इंटरेक्ट करें आप अपने आप को एनालाइज कर लिए कि मैं इफेक्टिव था या नहीं, सामने वाला समझ पाया या नहीं. और अगर पर्टिकुलरली अगर आप स्टेज फियर की अगर बात करें स्टेज परफॉर्मेंस की, तो उसी में भी यही है कि छोटे क्राउड से शुरू करते हुए बड़े क्राउड्स को मूव होना पर और बेसिकली एक स्मार्ट वे में ट्रायल करके कर देना. और शोएब का यहाँ पे और एक पॉइंट आया था कि प्लीज मेक 5 to 10 मिनट टॉपिक ऑन बिजनेस इन योर नेक्स्ट सेशन. तो श्योर हम लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, कुछ ऐसा बिजनेस रिलेटेड टॉपिक पे भी कर सकते हैं, उसको थोड़ा इनडेप्थ जा सकते हैं. 5 to 10 मिनट के पूरा सेशन कर देंगे बिजनेस के ऊपर. राइट, बिजनेसेस डिजिटल मार्केटिंग ये मोस्टली मेरे नेक्स्ट वेबिनार में से हो सकता है. कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब आमिर के नेक्स्ट वेबिनार में हो सकता है. और ऐसे कोई चीजें जो दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट में आती है वो हम दोनों बिल के साथ में करेंगे, और जैसे पॉइंट हुआ था डिबेट भी करेंगे. जनता को डिबेट होना है. जनता को डिबेट होना है.
और अगर ओवरलैपिंग टॉपिक्स की बात करें इन द लिटरल सेंस, तो जुगेन मार्केटिंग के है और मैं साइकोलॉजी का हूँ, अगर दोनों को लिटरली कंबाइन कर दिया तो या तो साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग आता कि लोगों के इमोशंस को कैसे इन्फ्लुएंस करना, कैसे अलग अलग कलर्स का असर कैसे होता है लोगों के दिमाग पे, कैसे अलग अलग फॉन्ट स्टाइल साइज यूज करना, तो ये साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग हो गया। और अगर मार्केटिंग ऑफ साइकोलॉजी आ गया, तो अगर आप साइकोलॉजिस्ट है या बनना चाह रहे हैं, तो कैसे अपने आपकी मार्केटिंग करना, कैसे बिजनेस को एस्टैब्लिश करना, जो मैं अपने अकेडमी में ट्राई कर रहा हूँ, तो ये मार्केटिंग ऑफ साइकोलॉजी फील्ड हो गया। तो ऐसे अलग अलग क्रिएटिव वेज में हम टॉपिक को देख सकते हैं। दोनों बहुत अच्छे टॉपिक हैं। अगर और कुछ क्वेश्चन आ रहे तो हम थोड़े सेकंड के लिए रुक सकते हैं, या फिर एंड करना चाह रहे हो? जी एंड कर देते हैं, मेरे ख्याल से टाइम बहुत एक्सीड हो गया, 9:20 हो रहे ठीक है, रेड जिन्हें को भूख लगी शायद। ठीक लग रही है एक्चुअली है, ठीक है, तो मैं जस्ट कंक्लूड कर लेता हूँ ब्रीफली इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका थैंक यू, जो भी लोग ज्वाइन हुए हैं, जो भी लोग छोड़ के चले गए उनको भी थैंक यू, लेकिन उन लोग मेरी आवाज नहीं सुन सकते अभी, फिर भी सबको थैंक यू। तो बेसिकली आप लोग इतना टाइम निकाले, और ये चीज ये दिखाता कि आप अपने डेडिकेटेड है, राइट, ताकि आप टाइम निकाले और सुनना चाह रहे और बोलना भी चाह रहे लोग, तो ये बहुत अप्रिशिएबल चीज है, इसका मतलब आप डेडिकेटेड है स्किल डेवलपमेंट को। और उसके अलावा उम्मीद है कि हम लोग आगे भी वेबिनार्स करते रहते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। और एक प्रॉबिलिटी है कि विद इन फ्यू डेज हम लोग एक ऑफलाइन वर्कशॉप करने का प्लान कर रहे हैं गुलबर्गा सिटी में, तो उसका भी अपडेट हम लोग कुछ दिन में दे देते हैं आपको, विद इन 4 to 5 days। तो ये दैट्स इट सब फ्रॉम माई जी साइड। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। और कोई एक हैंड रेस करें यहाँ पे, आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही था, थैंक यू ऑल। ठीक है, मैं कंक्लूड करते हुए ये बोलना चाहूंगा कि ये हमारा सेकंड वेबिनार था, तो हम लोग इसको जितना कैजुअल रखना चाहे कैजुअल रखने का कोशिश किए, ज्यादा हम मार्केटिंग भी नहीं किए इसका, क्या अपने स्टेटस पे अपलोड किया, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिनिमम ऑडियंस होगी, जितनी भी ऑडियंस होगी वो जो भी एंड तक रुकेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट लोग होंगे, प्लस जितने भी ऑडियंस है कि हम लोग प्रोसीड करने वाले थे। इवन उन्होंने ये प्लान किए थे कि अगर सिर्फ आमिर और मैं हैं तो भी ये वेबिनार कंटिन्यू करेंगे, आपस में बोलेंगे क्योंकि यही था हमारा कि आस्ते आस्ते ग्रो होते जाने, राइट, ये लोग ज्वाइन हुए एक्चुअली जो मैं बोल रहा था, मेरे को और लेट हो रहा है वेबिनार, ये लोग बुला रहे कॉल करके, ठीक बीच है में बार ओके, बार तो कॉल हम किए जा लोग रहे। कंक्लूड कर देंगे फिर। आप कुछ और तो करना चाह रहे इन हैं क्या शॉर्ट एंड मेरा करके? इन नहीं इन शॉर्ट मेरा यही था कि बहुत कैजुअली किए हैं, प्लस बहुत अच्छा लगा जी, इतने लोग भी एक्सपेक्ट हम लोग ज्यादा नहीं किए थे, हम लोग यही सोच रहे थे कि मिनिमम जो भी आएंगे प्रोसीड कर लेंगे, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाते जाएंगे, वही वही इंटेंशन से हम ज्यादा मार्केटिंग भी नहीं किए, हम चाह रहे थे कि कम हो और कंफर्टेबल हो, आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करते जाएंगे, ये भी नेटवर्किंग का पार्ट है, नेटवर्किंग जो चल रही है। और एक लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से ये था कि तो हम लोग एक बिगिनर है, अलग अलग अपने फील्ड्स में अपने करियर्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग उस जर्नी का हिस्सा बने, और उम्मीद है आप लोग इसे कुछ छोटे मोटे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे होंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना चीजों को, और कैसे एंजॉय करते हुए अपनी चीजों को ग्रो करना। तो दैट्स इट, थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल, ओके, बाय 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 जी। ओके बाय बाय।